बैंक के बाहर बैग खींचकर सेकंड भर में गायब हो जाते हैं। सोने की दुकानों पर, बस स्टैंड के पास, शॉपिंग मॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में इस तरह की कई चोरियां हो रही हैं। लोगों में दहशत है और पिछले 10 दिनों में 13 रिपोर्ट लिखवाई गई हैं। इसे किसी भी तरह में स्टॉप करना होगा। अरे पकड़ो! सर, शॉक का एक्सप्रेशन बाद में देना, पहले ना लॉकअप में डालिए। लॉकअप में डालो इन्हें, डंडे मारो इन्हें। सर, आज तक इन्होंने जो चुराया वो सब इनसे वापस ले लो। छोटे, तुझे नहीं छोड़ेंगे। हॉस्पिटल को ढूंढते हुए जैसे पेशेंट आते हैं, वैसे पुलिस स्टेशन को ढूंढते हुए चोर कैसे आ गए? पुलिस स्टेशन ढूंढते हुए खुद थोड़ी ना आए। सर, चूहों को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं? चारा डालते हैं। मैंने भी वही किया। उधर देखो, उस छोकरे के पास क्या होगा भाई? हमें भटकाने के लिए उसके माँ बाप ने उसे भेजा है, क्या बोलता है? हाँ बड़े भाई, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बैग में 1 लाख से कम नहीं होगा। सुनो बड़े भाई, तुम लंबे हो, बैग जल्दी से जाकर छीन लो, हम पीछे से आते। जाओ, तीन महीनों से इन्होंने हमारा पसीना छुड़ा दिया था और तुम्हारे जैसे बच्चे ने इन्हें पकड़वा दिया। बच्चा नहीं है सर, लोफर है। ये लोफर पुलिस वाला बन गया तो धमाका हो जाएगा। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करूंगा और तुम्हें पुलिस वाला बनाऊंगा। मेरे माँ बाप नहीं है सर, इस दुनिया में मैं अकेला हूँ। तो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पुलिस वाला बनाऊंगा। सच्ची सर? ए भरत। हाँ पापा। ये शंकर है, हमारे साथ ही रहेगा। ए, अब से ये तुम्हारा ही घर है, ठीक है ना? थैंक यू सर। सर क्यों कह रहे हो, चाहो तो पिताजी बुला सकते हो। सुनो, अब से तुम्हें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारी माँ जो नहीं है। हम जिस रास्ते पर चले उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। बाय बाबा। ओके बाय। अरे शंकर, तुम खाकर बताओ कैसा है? बढ़िया है ना? तब ठीक है, खा। भरत, तुम्हें कैसा लगा? चेकमेट। तुम तो कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्ट हो, माइंड गेम में तुम मास्टर हो बेटा, मास्टर। हम तैयार है पापा। ए, आज परीक्षा है ना, जाकर भगवान का आशीर्वाद। ये क्या कर रहे हो? मेरे भगवान तो आप ही हैं। पापा को पता चलेगा तो डांटेंगे। चलो ना भैया, चलो घर चलते हैं। ए, अबे क्या लड़कियों की तरह जा रहा है, दम है तो आना, आजा आजा। मेरा दम देखेगा। इतना गुस्सा की खेलते हुए बच्चे की जान ले ली, तुम्हें जरा भी रहम नहीं आई। सहारा देकर मैं तुम्हें किसी लायक बनाना चाहता था, लेकिन मेरे गलत फैसले से आज एक बच्चे की जान चली गई। इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा।
आज के बाद अपनी मनहूस सूरत तुम मुझे कभी मत दिखाना, और अगर तुमने कोशिश भी की तो वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा। ले जाओ इसे। अगर तुम पकड़े गए तो सब कहेंगे कि राजेंद्र जी के बेटे ने गलती किया, और पापा उसे सह नहीं पाएंगे। तुम राजेंद्र जी के असली बेटे हो और मुझे तो उन्होंने गोद लिया है। अगर इल्जाम मैंने अपने सिर लिया तो उनकी बदनामी नहीं होगी। तुम पापा से इस बारे में कुछ नहीं कहोगे, प्रॉमिस करो। आप जैसे बाल कैदियों में बदलाव लाना और इस काबिल बनाना कि आप हमारे इस समाज के काम आ सकें, इस जुवेनाइल होम्स का लक्ष्य है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ गेम्स और सोशल एक्टिविटीज भी होंगी। इन सुविधाओं का उपयोग करके आपको दोबारा भविष्य बनाने का मौका दिया जा रहा है। सो ऑल द बेस्ट। वेरी गुड। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा स्कोर किया। तुम्हें इस जुवेनाइल होम का सपोर्ट हमेशा मिलेगा। थैंक यू सर। व्हाट इज योर गोल? पुलिस, 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 पुलिस। सर, आपसे मिलने के लिए इंस्पेक्टर रामप्रसाद आए। अंदर भेजो। हमारे इलाके में सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है सर। मिस्टर रामप्रसाद, यू आर सीआई, यू आर गिवन पावर्स बाय द सिस्टम। वहाँ कोई सिस्टम से नहीं चलता सर। यह अपुन के भाई का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे रोकेगा तू? ये प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए खतरा है। टेस्ट किए बिना तुम बस अपना फायदा चाहते हो। वर्कर्स और गांव वालों की परवाह किए बिना केमिकल्स को तुम हवा में छोड़ रहे हो। अगर ऐसा चलता रहा तो ये जगह नरक बन जाएगी। तो बन जाने दे नरक। शेखर, शेखर, नो! क्यों मार रहे हो इसे? जो मन में आएगा वो करोगे क्या? पुलिस का काम हमारी बात सुनना है, क्वेश्चन करने का नहीं। शेखर, ये देख, तेरी वजह से भाई का बीपी बढ़ गया, उन्हें यहाँ तक आना पड़ा। भैया, दुनिया में बहुत सी चीजें मुझे पसंद नहीं है। अभिषेक से ऐश्वर्या की शादी मुझे पसंद नहीं, क्या मैं रोक पाया? सचिन तेंदुलकर का रिटायर होना मुझे पसंद नहीं है, क्या वो रोक पाया? मेरा प्रोजेक्ट शुरू करना तुझे पसंद नहीं है तो रोक पाएगा क्या? तूने प्रोजेक्ट के लिए लोगों के बारे में सोचा, अब तेरी मौत के लिए लोगों का क्या मानना है देखते हैं। Hey, हमारे एरिया के डेवलपमेंट के लिए मैं जो प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ उसे रोकने की इसने कोशिश की है। अगर इसे बचाने के लिए किसी ने भी हाथ उठाया तो मैं इसे छोड़ दूंगा। ये मत सोचना कि अगर तुमने हाथ उठाया तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा, लेकिन जरा सोच समझ के हाथ उठाना। तुम्हें इन सब लोगों के सामने क्यों मार रहा हूं पता है? ताकि दोबारा कोई मेरे प्रोजेक्ट को रोकने की हिम्मत ना करे। अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाएगा। फाइल ऑलरेडी कलेक्टर के पास पहुंच चुकी है। उस कलेक्टर का क्या करें? उस कलेक्टर ने एक हफ्ते बाद ही सुसाइड कर लिया सर। वहाँ काम करना है तो अपनी इंसानियत मारनी होगी या दामोदर के आगे झुकना होगा, और मैं ये दोनों नहीं कर सकता सर। प्लीज सर, मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, वरना रिजिग्नेशन के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ओके मिस्टर रामप्रसाद, आपका ट्रांसफर मैं देख लूंगा, यू मे गो नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। रामप्रसाद सर, ऐसा मत समझना कि तुम जो नहीं कर पाए वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आज तुम्हारे एरिए में दामोदर का राज है, लेकिन मेरे पास भी एक योद्धा है जो उसका राज खत्म कर देगा।
ऑर्डर अपने हाथ में लेने वाले सर्कल इंस्पेक्टर शंकर उर्फ एनकाउंटर शंकर के खराब बर्ताव की वजह से डिपार्टमेंट ने आज उनका ट्रांसफर कर दिया है। भाई शंकर का तो ट्रांसफर हो गया। डेविड उसकी वजह से अंडरग्राउंड होकर हमारी जिंदगी बदतर हो गई थी। बाहर नहीं निकलने की वजह से हमारे लड़कों को स्किन डिसीज हो गया है, इसीलिए सबके सब खुजली कर रहे हैं। भाई उस पटनायक की कंप्लेंट की वजह से अपुन का शूट एट साइट ऑर्डर निकला था, उसको बिना टपका अपुन को सुकून नहीं मिलेगा। पटनायक कहाँ है बे? डीप लॉक में भाई। ए, उसे यहाँ लेकर आओ। शंकर सीआई साहब को सल्यूट करने के बजाय तुम ऐसे गधों की तरह क्या खड़े हो बे? तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हुआ? चूहों को बिल से बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है? चारा डालते हैं। तुम्हें भी मेरे ट्रांसफर का चारा डाला तो तुम बिल छोड़कर बाहर निकल आए। पुलिस वाले होते हुए भी तुम चीटिंग करते हो? करेक्ट ड्यूटी गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर करते हैं, मैं बोस्टन स्कूल से हूँ। ओए अब अपुन के स्कूल का हिस्ट्री सुन। अब तक अपुन ने करियर में 24 रोबरी किए, 32 मर्डर किए, 48 रेप किए और किडनैप तो अनलिमिटेड। ये सब अपुन ने 10 सालों में किया है। दिस इज नॉट जस्ट माई ट्रैक रिकॉर्ड, दिस इज ऑल टाइम रिकॉर्ड। फिल्म का इम्प्रेशन ऑडियंस पर पड़े ना पड़े, पंच डायलॉग्स का जरूर पड़ता है, एक्शन का तो और भी पड़ता है। मुर्गा कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, चिकन शॉप पर दम तोड़ ही देता है। हा? मैंने तुझे कितनी बार समझाया अपनी आदतें बदल ले, तूने नहीं बदली तो तेरा टिकट आ गया। फिल्म का टिकट है क्या? तुझे टपकाने का टिकट आ गया है। शूट एट साइट ऑर्डर एनकाउंटर। तेरे धमकी से अपुन डरने वाला नहीं है, अपुन है शेर, 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 शेर। आजकल हर चूहा उठकर अपना कंपैरिजन शेर या चीते से करने लग गया है, अब मैं इरिटेट हो रहा हूँ। अरे बाप रे, मैंने क्या फिल्मी डायलॉग मारा? डायलॉग बहुत हुआ, अब एक्शन। Next item. बेचारा मार खाने से पहले इतना चिल्ला रहा है। पीछे से हमला करेगा क्या? सामने से करने की औकात नहीं है सर। चल टर्न कर। ठीक है सर। आ!
किस्सा खल्लास। शो आधे घंटे से कोई एक्सटेंशन नहीं है। नील ये नील कैसे हुआ? फुल काउंट है। अरे काहे का फुल काउंट, मैंने नील कहा ना। ये गलत है सर, तुम्हारी सैलरी उनके पास है इसलिए वो चीटिंग कर रहे हैं। तू ध्यान दे कहीं कपड़ा ना जल जाए, गड़बड़ हुई तो मैडम खाल उधेड़ देंगी। रोज मुझसे क्यों आयन करवाते हो सर, मुझे और भी दूसरे जरूरी काम होते हैं, समझिए सर। अरे चुप कर, जब देखो बहाने ढूंढता रहता है। हम लोग अपने समय में एसआई साहब के पैर दबाते थे। टाइफाइड से आपके फादर गुजर गए इसलिए आपको ये नौकरी मुफ्त में मिल गई, लेकिन हमने मेहनत की है, डिग्री लेकर आए हैं सर। तो तुम्हारी आरती उतारूं क्या? हम बुरा नहीं मानेंगे सर। वो छोड़ो जी, कल नए सीआई साहब आ रहे हैं, वो हमारे ही जैसे हैं या बहुत सिंसियर हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी तरह रहा तो मजे करेंगे और सिंसियर रहा तो उनकी तरह चप्पल खाएगा। क्यों रे, तूने अब तक घर पर केक नहीं पहुंचाया, तेरी वजह से रात का खाना नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दक्षिणामूर्ति जी, हाउ आर यू? अभी तक तो ठीक ही था सर। आप यहाँ पर घूमने आए हैं या? अब मैं यहीं रहूँगा। मतलब कल आने वाले सीआई? हाँ वो मैं ही हूँ। दो साल इनके अंडर काम करने से मुझे बीपी और शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी, अब तो डायरेक्ट कैंसर ही होगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था। सरप्राइज देने के लिए? शॉक देने के लिए। आप बदले नहीं सर? तुम भी कहाँ बदले हो, अभी भी वही शक्ल, वही वेट और वैसा ही एक्सप्रेशन। यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर अंदर जाने का मन कर रहा है। एंट्री टिकट कितने की है? मूर्ति जी ये पुलिस स्टेशन कम और कल्चरल क्लब ज्यादा लग रहा है। ये कौन है सर, फिल्म का हीरो लग रहा है? हीरो नहीं है बे, हमारे नए सीआई। फ्रैंकली बताओ शहर के हालात कैसे हैं? व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू? सर यहाँ व्हाट टू डू का मतलब ड्यूटी के अलावा कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट नॉट टू डू का मतलब कुछ भी कर सकते बट ड्यूटी नहीं कर सकते। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दामोदर नाम का आदमी है सर। यहाँ सब उसकी मर्जी से होता है सर, नहीं माना तो लाइफ खत्म। हम नाम के पुलिस है सर, डरते तो सब उसी से है। उसके हाथों में हथकड़ी पहनाने के बजाय हम अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर घूम रहे हैं। दामोदर भाई को छेड़ के काई को अपना नाक फोड़ रहे हो, उसके पैरों में पड़ के सूखी नहीं रह सकते क्या? ये अंदर से हाई कमांड की इतनी तरफदारी कौन कर रहा है? बिरयानी राजा अपना कॉन्स्टेबल है सर। सीआई के लिए बाहर नहीं आया? सीएम के लिए भी नहीं आएगा सर। क्यों यार? दामोदर के बाथरूम में जलने वाले बल्ब से लेकर उसकी बिजनेस डिटेल तक इसे सब नॉलेज रहती है। सलाम सीआई साहब, बिरयानी रेडी है, खाएंगे क्या? अरे है? कौन है यार तू? है? वैसे ही बिखरे बाल, वही बदसूरत नाक, भैंस जैसा शरीर, गिद्ध जैसी आंखें, ऊंट जैसा पेट और हाथी जैसे कान। सबने कहा था यहाँ तू ही सबसे काम का आदमी है। क्या काम का आदमी हूँ? हाँ भाई तू, आज तक तो कोई नहीं बोला। सच कह रहा हूँ, तू मेरी हेल्प करेगा ना? सर थैंक यू। चल अब बता यहाँ क्या चल रहा है, ये दामोदर कौन है और सब उससे इतना डरते क्यों? बिरयानी तू मेरे हुकुम का इक्का है, तू डायरेक्शन दे, एक्शन मैं लूंगा। देखो शंकु, यहाँ किसी की बात नहीं मानने का। दामोदर भाई के बारे में दो चीजें बताता हूँ। छेड़ोगे तो सांप की तरह डसेगा, हाथ मिलाओगे तो आशीर्वाद देगा। हाथ मिलाने के लिए धंधों की जानकारी चाहिए। मैं तीन शब्द में बताता हूँ ना, लिखकर बिजनेस, बैटिंग बिजनेस, डुप्लीकेट धंधा। इन तीनों के हेड अलग अलग है, सीनू, फिरंग और संपंगी। इन तीनों से अपन के बहुत पुराने रिश्ते हैं। ये मछली है और दामोदर मगरमच्छ, इनसे हाथ मिलाओगे तो आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन मैं हाथ कैसे मिलाऊंगा? अरे मैं हूँ ना, आओ उनको एक हाथ से बिरयानी खिलाता हूँ, दूसरे हाथ से दारू पिलाता हूँ, तो मैं तुमको उनसे मिला सकता हूँ। सचमुच? आओ रे। ओए बिरयानी, दामोदर की बात करता हूँ तो इन लोगों में फ्रस्ट्रेशन नजर आता है और तुम में डिवोशन नजर आता है। पुलिस में क्रिमिनल के लिए डिवोशन नहीं, उसके अगेंस्ट अग्रेशन चाहिए। याद रहे ये पुलिस स्टेशन है, तुम में से किसी ने यहाँ जुआ खेला और इसे कल्चरल क्लब बनाया तो उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। समझे सर? चुप बे।
अब तक तुम लोग दामोदर से डर कर ड्यूटी कर रहे थे, अब दामोदर को डराने वाली ड्यूटी होनी चाहिए। साल का पहला महीना कौन सा होता है? जून। ये है सीनू, दामोदर के लिकर बिजनेस का इंचार्ज। जैसी इसकी शक्ल वैसा ही इसका बैंक बैलेंस भी है। पिछले 10 साल से ये हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक बेचारे को किसी ने मौका नहीं दिया। और तो और, कुछ जगहों पर तो इसे ऑडिशंस देने से भी बैन कर दिया है, पर फिर भी हीरो बनने का इसका सपना आज तक नहीं टूटा। जून, ये सुभाष, अरे काम चोर जल्दी काम कर। ये क्या है सीनू भाई, एक तरफ मंदिर, दूसरी तरफ स्कूल, बीच में ये दारू की दुकान। दारू बहुत जरूरी चीज है भाई, मंदिर में क्या मिलता है? शांति। स्कूल में क्या मिलता है? ज्ञान। क्वार्टर पी के देखो, दोनों मिलेगा। ये सब धंधे तुम बंद कर दो वरना हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे। बहुत अच्छे, रुके काय को, अभी जाके करो। भागे से रॉकस्टार। तुम रॉकस्टार हो ना? मुझसे बोल रहे हो? हाँ, तुम ही से। सॉलिड किक पड़ेंगी इसको। यही सुंदर शक्ल, यही सुपर फीचर्स, बॉडीगार्ड की बॉडी और टाइगर की आंखें, और फिगर तो ऊपर से नीचे तक हीरो बनने के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन है। खर बोल तो, मैं मुंबई से आया हूँ बड़े डायरेक्टर्स के साथ उठना बैठना। हाँ। मेरा एक दोस्त काफी टाइम से बहुत परेशान है क्योंकि वो मेन लीड की तलाश कर रहा है और बात नहीं बन रही है। हाँ। बस 6 फीट की हाइट हो और एक्टर सुंदर हो। हाँ। पुलिस स्टेशन में सबने कहा कि आपसे मिलो, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ बहुत सी उम्मीदें लेकर। उस दोस्त की फिल्म आप कर दो तो मुझ पर एहसान होगा। 6 फुट गोरा भी हूँ, उनकी फिल्म बनेगी ना सीआई साहब? सीआई नहीं यार, मैं शंकु, और ऑफकोर्स बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। तो अभी से शुरू करें क्या? फिर क्या? सीआई साहब, आप अपना हीरो बाद में खोजिए, पहले ये दुकान यहाँ से हटवाइए। कौन सी दुकान हटवानी है पंडित? हाँ। जी, दारू की दुकान पर क्या लिखा होता है? मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हाँ। है, कोई देखकर छोड़ता है? हाँ। क्या थिएटर में फिल्म से पहले मुकेश की स्टोरी दिखाते हैं, उसे देखकर सिगरेट छोड़ देते हो क्या? लास्ट ईयर एंड हमारे लोगों ने 380 करोड़ लीटर बियर पी ली, वो भी फेस्टिवल के नाम पे, तब आप किधर थे? आज इंडिया में हमारा स्टेट लिकर कंजम्पशन में टॉप पोजीशन पर है और उसमें हमारा हीरो थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो करने दो। आप बेकार का डिस्कशन बंद करो। चलो हीरो, मुझे भूख लग रही है, हम ब्रेकफास्ट करते हुए बात करते हैं। यार हीरो, इन लोगों की जेलसी तो देखो, तुम लाखों रुपए देकर लाइसेंस खरीद कर बिजनेस करते हो तो ये जबरदस्ती बंद कराने के लिए खड़े हो जाते हैं। तुमको एक सीक्रेट बताऊं क्या? हाँ बोलो। हम टेंडर नहीं लेते, लाइसेंस भी नहीं लेते। दामोदर भाई तो टेंशन नहीं, लाइसेंस की भी जरूरत नहीं। तो क्या बड़ी बात है, एक दुकान खोल ली बस। मैं जहां काम करता था वहां एक दुकान का लाइसेंस लेकर 6 दुकान चलाते थे। हम भी सिंगल लाइसेंस पे दर्जन वाइन शॉप चलाते हैं। अरे सीनू, तेरे में तो बहुत हिम्मत है। अरे हीरो इसलिए बन रहा हूं क्योंकि हिम्मत और पर्सनालिटी है मेरे में। कह रहे शंकु, करेक्ट, एकदम सही बात की तुमने। हीरो की तो एक क्वालिटी है तुम्हें, लेकिन 12 लीकर शॉप कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो डाउट है क्या? फोटो पे एड्रेस है, फट से बता सकता हूँ। प्रभा तुम फट से लिख लो, हमारे लोग उन दुकानों की तरफ गए तो खाल उधेड़ लूंगा सबकी। लिख रहे, तुम बोलो ना। नंबर 1, गांधीनगर बालाजी किराना स्टोर वाइन शॉप है। गांधीनगर की बालाजी किराना स्टोर इलीगल वाइन शॉप है? ओके सर। नंबर 2, नेहरू जंक्शन में कल्पना कटपीस की दुकान। नेहरू नगर जंक्शन की कल्पना कटपीस भी एक वाइन शॉप है? ओके सर। सबसे पतला हीरो बनूंगा, मेरी कमर 28 इंच की है। तो बेल्ट क्यों लगाते हो? स्टाइल के लिए। वाओ, क्या स्टाइल है। ये 3 लाख रुपए की है। ये बेल्ट 3 लाख रुपए की है? हाँ। प्रभा काउंटिंग पूरी हो गई ना? नहीं, अभी तक कहाँ हुई है। तो फिर ये दुकान कौन किनेगा? पूरी हो गई। हेलो सिन भाई, पुलिस ने हमारे वाइन शॉप का बंद करके मुझे पकड़ लिया है। अच्छा, डरने की जरूरत नहीं है, रुक कुछ करता हूँ। अरे शंकु, अपनी वाइन शॉप को पुलिस ने बंद करवा दिया, उसको जल्दी रीओपन कर, कॉल कर। अरे सीक्रेट फिल्म के हीरो, जब मैंने ही उन्हें क्लोज करवाया तो मैं उन्हें ओपन कैसे करूँ? मंजे, तेरे से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए तेरे को हीरो बनाया साहब ने। तू इस शक्ल के साथ हीरो बनेगा ये तूने सोच भी कैसे लिया? ओहो। आपको यहाँ से सीधा शमशान घाट पहुँचाने का बंदोबस्त करो। सी ग्रेड हीरो ए ग्रेड हीरो को मारेगा। तू वॉच पकड़ यार। गेहूं डाग रहे। ये जगह तुझे मेरे दारू की कसम, छोड़ना नहीं उसको। ठीक है भाई। जब मैं हीरो बनूंगा ना तो विलन यही होगा, चल जा रहे। अरे बाप रे, ये तो स्पेशल आइटम है। सीनू, इसको उसको क्यों, तू ही आना। अरे मेरे पास एक और है। अरे तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? हीरो होकर बिना एक्शन किए ही बैठ गया। रोमांटिक हीरो इसलिए नो एक्शन बाबा। एक्टर बनने के लायक ही नहीं है। कईयों ने कहा है। क्यों बे,
शंकर किंग, अब कैसा लग रहा है? बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना चाहता हूं। आज से इलीगल काम करेगा क्या? लीगल इलीगल के आपने किसी काम का नहीं छोड़ा। दर्द हो रहा है फिर भी डायलॉग बंद नहीं हुए इसके, फिल्मी है। ठीक है, एक भी दुकान फिर से खुली तो तुझे और दामोदर भाई को पिकनिक पर लेकर जाऊंगा मैं। पिकनिक? पिकनिक मतलब फॉरेन टूर के लिए नहीं, फॉरेस्ट टूर, एनकाउंटर। ये क्या सर, इन्हें ऐसे छोड़ दिया? मेरा टारगेट ये मेढक नहीं बल्कि मगरमच्छ है। Cheers. ये हमारा टूर कोऑर्डिनेटर है, आपको जो भी चाहिए ये अरेंज कर देगा। सुनो सर, ये हमारा प्रोजेक्ट क्लियर करने वाले ऑफिसर्स हैं, ये जो भी मांगे इन्हें मिल जाना चाहिए। ओके ओके सर। हेलो दुर्गा भाऊ, वो नया आया हुआ सीआई, उसने हमारे लिए लिकर शॉप बंद करवा दिए। लिकर शॉप कैसे बंद करवा दिए? सच में भाव, मुझे और मेरे लड़कों को अंदर डालकर बहुत दोहया उसने। जब अभी भैया हैप्पी मूड में है, इस बात से उन्हें टेंशन हो जाएगी। तुम जाके फिरंगी से मिलो। फिरंगी? ओए गोविंद जी, सारा सामान लेकर भर दिया है ना? हाँ भर दिया सर। ए राम बाबू, क्या है? सब्जी और अनाज रख दिया है ना? दिखता नहीं है क्या? चिड़ क्यों रहा है? कुछ भी कम हुआ तो घर पर मार मैं खाऊंगा। सब्जी ओके, फिश ओके। सर कुछ लोगों की डिक्शनरी में शर्म नाम का वर्ड ही नहीं होता। आज तक इसने जितना भी मुफ्त में खाया उसका बिल इसके घर पे भेजूंगा विद इंटरेस्ट, इसे बता दो प्रभा। मूर्ति जी साहब ने जो कहा, जरूरत नहीं है, सुन लिया मैंने। सर आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, रहने दीजिए। अरे चुपचाप लेना, तुझे भी इंटरेस्ट चाहिए क्या? ले रख। हाँ हाँ रुको, सबको मिलेगा। ये लो, ये तुम्हें, ये तुम्हारा, ये लो। आप क्या देख रहे हो सर? वो लड़की। कौन सी लड़की? वो जो मिठाई बांट रही है। वो लड़की कैसी है? वो अच्छी है सर। बेटा ठीक से देख, बहुत अच्छी है। इतनी भी स्पेशल नहीं है। अबे फेस के साथ कैरेक्टर भी है, वेरी रेयर क्वालिटी यार। दो सेकंड में कैरेक्टर जान लिया? गर्मी में मिठाई बांट रही है, कैरेक्टर समझने के लिए इतना काफी नहीं है? तो फिर क्या किया जाए सर? कुछ नहीं यार, सारी जिंदगी चोर गुंडों के साथ निकल गई, अपनी भी एज हो गई है, किसी को तो देखना होगा ना। मतलब आप और वो लड़की? और नहीं तो क्या यार, अभी जाके सेटिंग कर दो। खुद की तो कर नहीं पाया आज तक, और उसे इंटरेस्ट ना हुआ तो? आप में क्या कमी है सर, लड़की में रंग के साथ कैरेक्टर है तो आप में ग्लैमर और गट्स है सर। बात तो 100%। तो फिर जाना। बाकी के भी आगे। सरोजा सरोजा सुनो। ये कौन? सरोजा प्लीज। What is your problem? हार्ट प्रॉब्लम। ये हार्ट तुम्हें दिए 6 महीने से ज्यादा हो गए। लव का पेशेंट बन गया हूँ, इसी डिप्रेशन में आके 400 सेट अटेम्प्ट कर चुका हूँ। प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, लोकेशन हॉस्पिटल है, इसलिए हर बार बचा लिया गया। तुम क्या मेरे मरने के बाद हाँ बोलोगी? जब डॉक्टर नहीं पटा पा रहा तो मैं क्या पटाऊंगा? देखो डॉक्टर चक्रवर्ती, डॉक्टर हो या एक्टर, मुझे पसंद नहीं। सुना सर, आजकल की लड़कियां सिर्फ पुलिस वालों पर मरती हैं। और पुलिस वाले तो पोस्टमैन की तरह दिखते हैं, उनके बारे में सोचते ही उल्टी शुरू हो जाती है। वैसे मेरे बहुत सारे प्लान्स और एम्बिशंस हैं, बेकार में मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। सरोजा सरोजा, उस लड़की ने क्या कहा सुना ना प्रभा? पुलिस के नाम पे वैक। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अगर पसंद की लड़की ना मिले तो जिंदगी नर्क बन जाती है। ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड ने लव में फेल होकर सीलिंग फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली। फ्रेंड इनका है तो अकल भी इनके जितनी होगी, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। क्या एनकाउंटर जैसा आसान नहीं है लड़कियों को पटाना, इनको बता दो प्रभा। वो लड़की खुद आकर मुझे आई लव यू कहेगी, कह दो प्रभा। इम्पॉसिबल है, बता दो प्रभा। बोनस के तौर पर उसकी फैमिली उसकी शादी मुझसे करवाएगी प्रभा। टेंशन में आकर बेचारे कुछ भी बोलते जा रहे हैं, ऐसा हुआ तो गंजा हो जाऊंगा और गधे पर बैठकर सवारी करूंगा, बता दो प्रभा। इससे बोल दो ये नाई की दुकान ढूंढ ले प्रभा। आप चलिए, आप चलिए सर। तुमने मुझे रोक क्यों दिया? रोकना पड़ा सर, उस बुड्ढे ने चैलेंज किया, चलो ठीक है, लेकिन पुलिस के नाम से चढ़ने वाली उस लड़की को कैसे पटाओगे? पटाना है तो प्लान बनाना होगा, प्लान बनाने के लिए लड़की की डिटेल्स निकालो। आई एम नारायण, डेटाबेस नारायण। शंकर, एनकाउंटर शंकर। लोकल, नेशनल, हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, कंटेम्पररी, कंट्रोवर्शियल कैटेगरी, ऑल डेटा अवेलेबल हियर। सिर्फ इतना ही नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स की हिस्ट्री से लेकर फिल्म लाइन के सीक्रेट तक, कॉमन मैन की प्रॉब्लम से लेकर सुपरमैन की लव लाइफ तक, सेलिब्रिटीज के अफेयर से लेकर उनकी डे नाइट डाइट तक सारा डेटा इनके पास मिलेगा। आई हेट एवरीवन, मुझे लोगों में नहीं उनके पैसों में इंटरेस्ट, हर बात पे मैं केस ठोक देता हूं। एक बार गांधीनगर में चिकन शॉप से स्मेल आ रही थी, उस स्मेल से मेरा खून जल गया, ऐसा केस करके मैंने 25,000 खींच लिए। बचपन में फेल हो गया था, माँ बाप ने मुझे मारा था, इस बात पे केस करके उनसे भी मैंने पैसे वसूल लिए। बाजू वाले घर की शैडो मेरे घर पर पड़ी थी तो उस पर केस बनाकर ₹1,00,000 उनसे भी निकलवा लिए। शैडो पड़ने से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? शैडो ने सनलाइट ब्लॉक की और मेरे शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई। लॉ के लूप होल से मैं अपने गोल्स अचीव करता हूँ और ये डेटाबेस है मेरा सोर्स। आपका डेटा खत्म हो गया हो तो इस लड़की का बायोडेटा बताओ। पेशेंस बहुत कम है आप में। काम ज्यादा है। मैडम का नाम सरोजा है, सरोजा स्वीट्स के मालिक और केशव शर्मा की इकलौती बेटी। ज्वाइंट फैमिली में रहती है, दो चाचा राजा शर्मा और विराज शर्मा। काफी साल पहले इनकी फैमिली ठेले पर चना चाट बेचा करती थी। तू लिखना।
सरोजा के पैदा होते ही लड़की के नाम का एक स्टोर खोल दिया। सेंटिमेंट काम कर गया और बिजनेस सीमेंट की तरह स्ट्रांग हो गया। सिटी में 4 ब्रांच है और बाहर 3-4 जमीन। अब काफी अच्छी पोजीशन में है वो। इनके बनाए स्वीट्स की तरह इनकी बातें भी काफी मीठी होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी स्वीट्स बेचने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सी दिस। क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों हो? 30 साल से कोशिश कर रहा हूँ, पारिवारिक सुख नहीं है। सारी दवाइयाँ ट्राई कर ली पर मैं बाप नहीं बन सका। तो तुम टेंशन क्यों लेते हो? सरोजा स्वीट्स का हलवा है ना? एक्सपर्ट के एक्सपीरियंस को अपनाइए। संतान प्राप्ति की एकमात्र दवाई सरोजा मिठाई। एक समय में कोयले जैसा था, मेरे मोगरे के फूलों का बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा था। पाव किलो मोगरा देना। हाँ देता हूँ। लड़कियाँ तो लड़कियाँ, आंटियाँ भी मेरी शक्ल देखकर भाग जाया करती थी। मुझे इतना लॉस हुआ कि दुकान बंद करने की नौबत आ गई। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे सरोजा स्वीट्स की मिठाइयों के बारे में बताया, जिसे खाकर मैं ऐसा हो गया। और आज तो मैं इस शहर का बहुत बड़ा रईस हूँ। सब स्किन स्पेशलिस्ट का एक ही सजेशन है, गोरापन चाहिए इमीडिएटली तो खाओ सरोजा स्वीट्स की पेस्ट्री। Outfield will be a lot faster now. खाओ सरोजा स्वीट्स की जलेबी और जम के मारो बाउंड्री। फैमिली फेक है पर लड़की तो अच्छी है ना? क्यों प्रभा? यस सर। नो सर। नो क्यों कह रहे हो? बेचारी धूप में बच्चों को स्वीट्स बांट रही थी। क्या हुआ होगा मैं यहीं से बता सकता हूँ। हाँ बोलो बोलो। ए हट हट, फ्री की है तो कैसे भिखारियों की तरह आ जाओगे? घर जाके अपने पेरेंट्स से कहो रोज ये मिठाई खरीदे, वरना स्कूल जाने से मना कर देना, समझ गए ना? तो फिर प्रभा हमने जो देखा था वो तुम्हारी आंखों का धोखा था। कॉमनली कुंवारी लड़की हस्बैंड या हनीमून के बारे में सोचती है, सपने देखती है, am I right? लेकिन इस डेंजरस गर्ल की ड्रीम्स है कैलिफोर्निया में काजू कतली की दुकान खोलना, शिकागो में शीर कोरमा बेचना, बेसिकली अमेरिका में अपना बिजनेस एक्सपैंड करना। 4 बार 10th में फेल होने के बाद वो समझ गई कि कोशिश करना बेकार है, तो अब वो किसी NRI लड़के को ढूंढ कर शादी करने की सोच रही है और उसे कोई भी चलेगा। सोचा था फाइनली मैं सेटल हो जाऊंगा पर ये लड़की तो मुझे बेच खाएगी। यस, शी इज मर्सीलेस, इमोशनलेस, रूथलेस, स्टोन हार्टेड, हार्डकोर बिजनेस वुमन। ए वीर प्रताप, कितना टाइम ले रहे हो? जल्दी करो ना, और भी बहुत सारे ऑर्डर हैं। बस हो गया मैडम। 50 बार यही बोल चुके हो, कस्टमर भाग जाएगा। काम चोर कहीं का। ये क्या बेटी, बड़े छोटे का कुछ तो लिहाज करो। देख रही हूँ दिन ब दिन तुम बदतमीज होती जा रही हो। वैसे तुम शादीशुदा लड़की से शादी क्यों कर रही हो? बोर मत करो, मुझे सरोजा स्वीट्स की ब्रांच अमेरिका में खोली है, ये बात भूलो मत। वो वहाँ रहता है इसलिए मैं शादी कर रही हूँ। चलो निकलो अभी यहाँ से। भाई साहब आप तो लगता है मिठाई खिला खिला कर हमारी जान ही ले लेंगे। माँ कसम। ये तो कुछ नहीं है जी, शादी में 250 आइटम प्लान की है। शादी में आने वालों को शुगर की बीमारी तो पक्की है। बेटे को फोटोग्राफी पसंद है क्या? फेसबुक एडिक्ट है जी, पूरा दिन स्टेटस अपडेट करता रहता है। इसकी फर्स्ट वाइफ तो बहुत वाइल्ड थी, आपकी बेटी तो माइल्ड लगती है। माँ कसम। माइल्ड नहीं जी, गोल्ड है। तो फिर नेक काम में देर क्यों करें? आप ही सब कर लेंगे तो हम किसी लिए बैठे हैं? मुहूर्त में अभी 5 सेकंड बाकी है। काउंट डाउन स्टार्ट, 5, 4, 3, 2, 1, गो। ये क्या, पुलिस आ गई? सर अरेस्ट। ओके सर। मैम यू अंडर अरेस्ट। आप एक शरीफ आदमी के घर में कैसे घुसा है? शुभ कार्य के बीच में अरेस्ट करने के बाद हमारी बेटी ने ऐसी क्या गलती कर दी? लोगों को अपनी फेक एड से बेवकूफ बनाकर स्वीट्स बेचते हो? वो तो धंधा है, गुनाह कैसे हो गया? गुनाह कैसे हो गया? बच्चे पैदा होने का और आपकी मिठाई का क्या रिलेशन है? क्रिकेट प्लेयर के 6 का और आपके स्वीट का क्या लिंक है? ऊपर से सेलिब्रिटीज को सेल्स बॉय की तरह यूज करते हो। कितने पैसे लिए हमारे कैप्टन ने सरोजा स्वीट्स की ऐड करने के लिए? तो गलत बात हुई ना सर, सैलून में फिल्म स्टार्स की फोटो लगी होती है तो क्या वो वहाँ आकर बाल कटवाते हैं? ये तो पब्लिसिटी स्टंट है। तुम्हारे इस फ्रॉड स्टंट की वजह से लोगों की जाने जा रही है, इसीलिए इस लॉयर ने तुम्हारे MD पर मर्डर केस डाला है। मर्डर केस? इस क्रिमिनल से शादी करोगे तो तुम्हें भी जेल के अंदर डलवा दूंगा। सलाखों के पीछे ही फैमिली शुरू करना। माँ कसम हम इन्वॉल्व नहीं है, मैच कैंसिल। माँ कसम कैसे लोगे, इनसे रिश्ता जोड़ेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ओए तू क्या कर रहा है बे? सर सिचुएशन को मैं फेसबुक पर अपडेट कर रहा हूँ। सर अपडेट कर दिया? तू हनीमून भी फेसबुक पर ही मनाना, वहाँ भी होता है। तुम्हारे अरेस्ट होने की न्यूज इसने नेट पे डाल दी, अब NRI क्या NGO के रिश्ते भी नहीं आएंगे तुम्हारे लिए। ए, तेरी तो शादी करने आया कि स्टेटस अपडेट करने? फेसबुक पे डालेगा, फेसबुक पे डालेगा, हाँ फेसबुक पे डालेगा, ये ले, ये भी डाल फेसबुक पे डालेगा, हाँ। मैंने से मार समझा, ये तो पहले वाले से भी वाइल्ड है। जाओ हमारे बेटे को बचाओ। माँ कसम लड़की हो या? बहुत है, इसके पास जाओ। ये लड़की क्या पागल हो गई है? बोलती है सुनो, ऐसे तो तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। अरे बेटी ये पंडित जी हैं। इस सब के पीछे मेन विलन तो तू ही है ना? केस करेगा, केस करेगा।
उस दूल्हे को मारा, उसके माँ बाप को मारा, और तो और उस पंडित को भी मारा। अब इस बेचारी लॉयर को मार रही हो, अब क्या मुझे भी मारोगी? मारोगी क्या? मारो 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 ना। यूएस जाने का इसका बचपन का सपना था। उसके लिए लोगों की जान लोगे, अब तो केस और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अरे सर, बेटा अगर इसे अरेस्ट करोगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? लोग सोचते हैं तो सोचने दो उन्हें, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा मत करो प्लीज, इसे छोड़ दो। अरे बेटा कुछ तो फेवर करो। फेवर क्यों करूँ, तुम्हारा दामाद हूँ क्या? ऐसा नहीं है बेटा, तुम तो किसी फिल्म के हीरो दिखते हो। अरे इनका दिल भी किसी हीरो से कम थोड़ी होगा। फ्रॉड करने वाले प्रोड्यूसर को भी कभी कभी हीरो छोड़ देता है। सीआई साहब इस छोटे से केस में हमारे एमडी को नहीं छोड़ेंगे क्या? ए चुप, तुम्हारी बातें सुनकर ही डायबिटीज हो जाएगी। ठीक है, जो मुझसे होगा मैं करूंगा, लेकिन फिलहाल मैडम को रोज स्टेशन आकर साइन करने होंगे। पुलिस स्टेशन बस हुआ, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, दिस इज फिक्स्ड। ये सुबह सुबह गार्डन में लेकर क्यों आए हैं प्रभा? जैसे लोग गार्डन में आकर घटिया हरकतें करते हैं, कह दो प्रभा। ए तुम दोनों झाड़ियों के पीछे जाओ। गर्लफ्रेंड वाले झाड़ियों के पीछे का कहीं भी जाए, जिनकी नहीं है बेचारे कहीं नहीं जा सकते प्रभा। इनसे कहो हंसना बंद करे और वहाँ देखे प्रभा। ये यहाँ क्यों आई है? अपने सर से मिलने। सर से? हाँ। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये लवर्स पॉइंट है ना, इसलिए। कुछ लोग अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं तो उन्हें रोकने की ड्यूटी मिली है मुझे। सोचा तुम्हें यहीं बुला लूँ, तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा। थैंक्स सर, बहुत टाइम बचा लिया आपने मेरा। बचाया तो मैंने तुम्हें कल था, उस फेसबुक अपडेट वाले से। हाँ सच में, एक नंबर का गधा था, बुद्धू कहीं का, बेअकल इंसान, नालायक कहीं का। आप क्यों बुरा मान रहे हो? फेसबुक पे मेरी फोटो डाली थी, डांटूंगी नहीं क्या? उसे मत डांटो, फ्यूचर की सोचो। किसी अच्छे मैरिज ब्यूरो में अपनी डिटेल्स दे दो। मुझे एक हफ्ते में 10 रिश्ते आ गए, लेकिन लड़कियां ज्यादा एजुकेटेड थी तो मना कर दिया। एजुकेशन कम हो तो प्रॉब्लम होती है, ज्यादा तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना, कोई डिग्री वाली लड़की होगी तो उसे फ्रीडम, प्राइवेसी, 24 घंटे शॉपिंग चाहिए होगी। और मैं ठहरा सिंपल आदमी, इसीलिए सोचता हूँ कोई 10th फेल लड़की ढूंढ लूँ। आजकल ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है, पर ट्राई कर रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझ पर ही ट्राई कर रहा है। ये लड़की आखिर किस मिट्टी की बनी है? परसों ही कह रही थी कि पुलिस से उसे चिढ़ है, देखो कैसे बदल गई। बदलते कहां देर रखती है? वो यहां कंट्रोल करने आया या खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो? चलो मत। सरोजा जी, आपकी नजर में कोई 10th फेल लड़की हो तो बताइएगा। वैसे बाहर के लोगों को पुलिस वाले और पोस्टमैन में डिफरेंस नहीं पता, पर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मैं कितना ज्यादा कमाता हूँ। कितना जी? टीए और डीए को मिलाकर पीएफ और एचआर के अलावा हाथ में नेट 35,000 रुपए मंथली आते हैं। हम तो अपने कुक को 50,000 देते हैं। सैलरी की पड़ी है तुम्हें, सिक्योरिटी का क्या? तुम्हारा कुक तुम्हें 24/7 प्रोटेक्शन दे सकता है? लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, डिपार्टमेंट मतलब पावर। ए हट हट। रास्कल, सर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? लड़की ने दहेज ऑफर किया होगा, इसलिए गुस्सा आ गया होगा। अरे ये कोई चिढ़ने वाली बात होती है? जब कोई नई फिल्म रिलीज होती है सबको लाइन में लग के टिकट लेना पड़ता है, पर जब हम जाते हैं तो बैठने वाले उठकर हमें सीट देते हैं। चाहे किसी मंदिर में जाना हो या किसी बाबा के आश्रम में, कितनी भी लंबी लाइन हो हमें डायरेक्ट दर्शन मिलता है, वो भी ऑल ओवर इंडिया। समझ गई ना? बहुत अच्छी तरह समझ गई। अब साइन कर ले प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। दक्षिणा मूर्ति को एक झटका देना ही चाहिए। अरे बाप रे, आंख में कुछ गया, फूंक मार दो प्लीज। पर यहां अलाउड नहीं है। ओहो, धोनी के नाम पर मिठाई बेचना अलाउड है पर फूंक मारना अलाउड नहीं है? ठीक है जी। ये वाली आंख, इतनी जोर से फूंकोगी तो पूरी आंख बाहर आ जाएगी। प्यार से करो, स्मूथली। ओके गुड, बहुत अच्छा। हाँ, ये दोनों क्या कर रहे हैं? दिखने से क्या लगता है? चुम्मा। अब कैसा लग रहा है? I'm feeling better. तो साइन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना। अरे क्या हुआ जी? रजिस्टर तो भूल गया। अब क्या करें? कोई बात नहीं, कल 2 बार साइन करना। ठीक है तो मैं चलती हूँ। कल आओगी ना? आना पड़ेगा ना। बाय बाय। मेरी प्रोग्रेस देखकर इतना डीप शॉक ना लगे कि शर्त ही भूल जाए, जरा देख लो प्रभा। याद है मुझे, खाली लड़की को पटाना आजकल काफी नहीं होता, फैमिली को भी पटाना पड़ता है, कह दो प्रभा। उन्हें सुनाई देगी और मुझे दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? आप गंजे के शहर में गधे पर घूम रहे हो। ये है फिरंगी, बचपन में बैट बॉल खेलने वाला एक छोटे शहर का मामूली लड़का, आज दामोदर के बैटिंग बिजनेस का मालिक बनकर उसी बैट बॉल के खेल से लाखों रुपया कमा रहा है। पर बेचारा थोड़ा इमोशनल है, कोई भी इसे कोई दुख भरी कहानी सुना दे और बस वहीं ये फिसल जाता है। ए सीनू, हाँ? देख मैं पुलिस का क्या हाल करता हूँ, डिपार्टमेंट को चीर कर रख दूंगा, फिर तेरे लीकर बिजनेस को कैप्चर करके तुझे अपना नौकर बनाऊंगा। ये तो गलत है ना? आज तक मैंने कौन सा सही काम किया है? ए सुन दक्षिणा मूर्ति, कल तक तू हमारे फेंके हुए टुकड़ों पर पलता था और आज तेरी इतनी हिम्मत के हमारा बिजनेस बंद करेगा? आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा रे दक्षिणा मूर्ति। पांडू, यही है नया सीआई? अच्छा ये है? वही इमली जैसा कलर, बिल्कुल कद्दू जैसा फिगर, चाइनीज नूडल्स जैसे बाल, टमाटर जैसी लाल आंखें, करेले जैसी स्किन, नारियल जैसा चिन, बिल्कुल मेरे पांडू जैसा। कौन है ये पांडू? मेरा बेस्ट फ्रेंड मूर्ति जी।
गॉड कितना ग्रेट है, मेरा खोया हुआ पांडू मुझे दोबारा मिल गया। कहीं घूम गया था क्या? ऊपर चला गया। कैसे? मैंने ही मारा था। तुमने अपने दोस्त को मारा? इस मिस्ट्री की सुनो हिस्ट्री। बचपन से ही हम दोनों पुलिस वाले बनना चाहते थे। पांचवी क्लास से ही क्राइम सॉल्व करना शुरू कर दिया। टॉप नंबर से पास होकर हम दोनों कॉप बन गए, वो अंडर कवर और मैं मामूली इंस्पेक्टर। एक दिन मुंह कवर करके माफिया गैंग ने मुझ पर अटैक किया, मैंने सबका एनकाउंटर कर दिया। एक एक करके मैंने कवर निकाला, आखिरी वाले पे दिल काम किया। क्यों? उस कवर में मेरा अंडर कवर दोस्त पांडू कॉप था। अरे मैंने कहा अरे, पर वो उठा नहीं, मर गया था ना। फ्रेंड को मारने की गिल्ट को हटाने के लिए मैंने हॉट शॉवर लेने की कोशिश की, बॉडी बॉइल हुई, सोल कूल नहीं हुई। लेकिन आज वो गिल्ट हटाने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुमने जितने भी वाइन शॉप क्लोज किए हैं इमीडिएटली ओपन करो। इतनी छोटी सी बात, कितना बड़ा दिल है आपका। चलो लंच पे बात करते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट में मार खाई है, अभी लंच पे मार खाएगा देखते हैं। ये लिकर सीनू ऐसा क्यों दिखाता है कि ये दामोदर का राइट हैंड है? इसे तो लेफ्ट हैंड भी ना बनाए। ये पूरे साल में जितना कमाता होगा ना, उतना मैं एक ही मैच में कमा लेता हूँ। क्या कह रहे हैं, एक ही मैच से इतनी कमाई? खेल में कम है लेकिन स्कीम ज्यादा है। पंजाब की टीम जीतेगी तो प्रीति जिंटा हक करेगी या नहीं करेगी, सिक्स मारकर कोहली चीयर लीडर्स को देखेगा या नहीं देखेगा, ऑडियंस में बैठा अंबानी का बेटा चिप्स खाएगा या कोल्ड ड्रिंक पिएगा। जब इतनी चीजों पर बैटिंग होती है तो मैच से किसको फर्क पड़ता है? और हारने वाला पैसे देगा, इसकी क्या गारंटी? पहले ब्लैंक चेक लेते हैं। बिना बैलेंस के बाउंस हुआ? बॉडी से पार्ट्स उखाड़ लेते हैं, उसका सेपरेट डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट है? बैटिंग लगाने वाला डिपार्टमेंट, हाथ पैर तोड़ने वाला डिपार्टमेंट। इस काम के लिए हमारे पास 20 लोगों की टीम है। 20 लोगों की टीम? नॉनसेंस, मैं नहीं मानता। सच है शंकर? मैं नहीं मानता पांडू। 20 लोगों की टीम है, कह रहा हूँ ना, नहीं मानता। सबको इधर बुला लेंगे तो मानोगे? हाँ बुलाओ ना, देखते हैं। रुको बुलाता हूँ। बुकी गाइस, ऑल बडी कम टू पुलिस स्टेशन। ग्रुप मैसेज भेजा है, 10 मिनट में सारे यहाँ पहुँच जाएंगे। शंकु, ये है मेरी टीम 20। ए भाई को नमस्ते करो। नमस्ते सर। ओए, इनकी टीम के साथ 20-20 मैच शुरू कर दो। मैच कैसा? अरे बाप रे, मेरी हड्डी के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। ओए तो बचाओ, मर गया रे। अरे मत मारो रे, बिरयानी खिला के मार रहा है। ए शंकर ने मना करो। ओए बाप रे, अरे कितना मारोगे तुम लोग। अरे मर गया। अरे बचाओ शंकर, इसे मना करो। हाँ बोल, अब वहाँ क्या हो गया? भाई हमारा बेटिंग बिजनेस तो खत्म हो गया। मुझे और मेरे लड़कों को लॉकअप में डालकर उसने बहुत धोया। सोच रहा हूँ ये सब छोड़कर मैं किसी आश्रम में चला जाऊँ। चाना मत बन और सीधा संपंगी के पास जा। संपंगी? 150 रुपए देने हैं कल रात के। कर रहा हूँ ना सर। क्यों ऐसे छोड़ दूँ क्या? देखा ना, हमारे बॉस के लिए दुल्हन की तरह सज कर आई है। चुप करना। मुझसे आपने कहा था इसलिए मैंने रात भर पुलिस वालों की फिल्में देखी। पुलिस की पावर को समझा मैंने। तो अब क्या तुम पुलिस बनोगी? 10th फेल नॉट अलाउड। तो फिर पुलिस वाले से शादी तो कर सकती हूँ ना? उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। भाग यहाँ से। आई थिंक आप अपने सर्कल में किसी इंस्पेक्टर का रिश्ता ढूंढ सकते हैं ना? हाँ, सुना ना, इनडायरेक्ट प्रपोजल। सुनने देना। आप करा दोगे तो दोनों तरफ के ब्रोकर का कमीशन भी बचेगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? चलती हूँ। हाँ। बाय। फिंगर फर्स्ट, आपका सवाल ऑन द स्क्रीन। इन संख्याओं को आरोही क्रम में दर्शाइए। ये है संपंगी, दामोदर के डुप्लीकेट धंधे का मालिक और सबसे अनपढ़। ये मंदबुद्धि इंसान आज तक स्कूल तो पास नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी खुद को किसी साइंटिस्ट से कम नहीं समझता। इसे लगता है कि इससे ज्यादा बुद्धिमान आदमी नहीं कोई है और ना कोई हो सकता है। बचपन से ही इसे रियलिटी गेम शोज का बहुत शौक है
और चाहता है कि एक दिन किसी शो को जीतकर ये करोड़ों कमा ले और दुबई में सेटल हो जाए। आज तक तो ये हो नहीं पाया, तो दिन रात रियलिटी शोज देखकर ही अपना मन बहला लेता है। टाइम इज अप, आइए अब देखते हैं सही क्रम क्या है। -9, -4, 0 और 3। आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिए हैं। इस अनपढ़ को क्या समझ में आ रहा है जो इतना खुश हो रहा है। अब बोलो क्या ना भाई, बिजनेस में अपने को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सब सॉल्व कर दूंगा। थैंक्स सर। अरे थैंक्स काय को, प्रॉब्लम सॉल्व करके तुम्हारा बिजनेस मैं ही तो टेक ओवर करने वाला हूँ। वहाँ देखोगे तो डबल शॉक खाओगे। तुम दोनों ने जब मुझे इनकी कंप्लेंट की तो मैं गुस्से से पुलिस स्टेशन चला गया, पर मुझे देखते ही ये समझ गया कि मैं आम इंसान नहीं, भगवान का फरिश्ता हूँ। ये बंदर जैसी शक्ल और ये लंगूर जैसी नाक, चमगादड़ जैसी आंखें, खरगोश जैसे दांत, शक्ल से ही बुद्धिमान लगते हो। सच बोल रहे हो क्या? मुंबई में मेरा एक दोस्त है, उसकी मदद करोगे? हाँ बिल्कुल। बेचारा बचपन में थोड़ा भटक गया था, दिन रात आवारागर्दी करता, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। पर एक दिन सब हैरान रह गए क्योंकि उस गधे को नौकरी मिल गई थी। वो रियलिटी शो के सेट पर झाड़ू मारने लगा था। धीरे धीरे उसे बहुत सारे शो मिल गए, 4, फिर 40, और अब पहुंच इतनी है कि किसी भी गेम शो में कंटेस्टेंट भेज सकता है। बस एक शर्त है, प्राइज मनी का 10% रखता है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब है कि आज तक उसने जिन लोगों को गेम शो पे भेजा उनमें से कोई जीता ही नहीं, तो उसे अपना 10% मिला ही नहीं। लेकिन आज उसे अपना 10% मिल जाएगा क्योंकि आप शक्ल से ही विनर लगते हैं। ठीक है मैं चलूंगा, पर पहले बिजनेस स्टार्ट करवाओ। तो फिर आप शाम को डिनर पर बुलाओ। बस अब मैं केबीसी में जाके 10 करोड़ कमाऊंगा। मेरे दोस्त का 10% मत भूलना। तुम्हें ब्रेकफास्ट, मुझे लंच और इस बेचारे को डिनर मिलेगा। क्या रे छोटे, सब दारू पी रहे और तू कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, इससे अच्छा दूध ही मंगवा लेता। मुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है और वैसे भी मुझे कुछ और पीने की आदत नहीं है, मैं तो पार्टीज में बातचीत करने जाता हूं। ठीक है मैं फोर्स नहीं करूंगा। अरे ये हमारी दारू तो नहीं है ना? हमारी दारू हम कैसे पियेंगे? क्यों नहीं पियेंगे? अरे इस पे सिर्फ लेबल ही तो ओरिजिनल है, अंदर तो नकली माल है। क्या? अब मेरी इंटेलिजेंस की बात सुनो, एक बोतल पे हमारा खर्चा है 300 और बाहर हम इसको बेचते हैं 3000 में, मतलब 10 times प्रॉफिट। और क्या? बाप रे। अब सुनो, रिफाइंड ऑयल है ना, सनफ्लावर ऑयल ना, फ्लावर सिर्फ लोगों के नाम और कान में होता है। तो फिर ऑयल में क्या होता है? नकली माल। और सिर्फ इतना ही नहीं छोटे, पीली दाल में कंकड़ पत्थर, नमक में डालते हैं चूना, काली मिर्ची में पपीते के बीज, मिर्च पाउडर में लाल पाउडर, मिल्क पाउडर में मैदा का आटा और आइसक्रीम में चावल का आटा, घी में डालडा, मक्खन में आटा, इन सब में मिलावट कर देता हूँ मैं। खाकर लोगों की हेल्थ खराब होगी ना? अरे तो बढ़िया है ना, हमारे हॉस्पिटल में तो आएंगे, उधर की मेडिसिन में भी केमिकल्स मिला देते हैं। शंकू को तो शौक लग गया भैया, और कुछ बताओगे तो बेचारा बेहोश हो जाएगा। बताइए, पेट्रोल में मिट्टी का तेल, डीजल में कच्चा तेल और ग्रीस में डामर मिलाता हूँ। व्हीकल्स खराब होती होंगी। ये भी तो बढ़िया है ना, हमारे गैराज में तो आएंगे, वो पुराने पार्ट्स को साफ करके उन्हें नया बना के वापस भेज देंगे। और क्या? अरे ये सब एक चेन है छोटे, ये चेन मेंटेन करने के लिए बहुत यूनिट्स चाहिए। इनको सेटअप कहाँ किया है? इतना पर्सनल सवाल नहीं पूछते। नहीं बताया। अपने नए दोस्त को नहीं बताओगे? मुझे बुरा लगा। हमें भी बुरा लगा। ए तुम्हें बुरा लगा तो पूरा खत्म करो और जाओ। डोंट मिस्टेक मी छोटे, बिजनेस सीक्रेट्स तो मैं बीवी को भी नहीं बताता और ना ही कुछ मोबाइल में सेव करता हूँ, सब कुछ अपने दिमाग में रखता हूँ। मेमोरी पावर जो अच्छी है मेरी। हे आपकी मेमोरी टेस्ट करने के लिए क्यों ना हम एक डेमो क्विज शो यहीं खेल लें? हाँ, मैं तो बनाई गेम शोज के लिए हूँ। हे तो फिर चलो ना खेलते हैं। गेम्स खेलें क्या? हाँ खेलते हैं। वेलकम टू आवर वंडरफुल गेम शो, सबसे इंटेलिजेंट गुंडा, पॉइंट्स कमाओ और जीतो। आवर पार्टिसिपेंट्स, लायन सीनू, फेरोशियस फिरंगी, सुपर संपंगी एंड आवर जज ग्लैमरस मिसेस प्रभाकर। इसमें इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल 3 rounds होंगे, एडिशनली एक एंकर राउंड भी होगा। सवाल पूछने पर जो पहले बजर दबाएगा उसे ही आंसर करने का चांस मिलेगा, और साथ ही करेक्ट आंसर इज +10, रॉन्ग आंसर इज -10। इसीलिए बजर दबाने से पहले 100 बार अच्छी तरह सोच लेना। सब समझ गए ना? सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाला कहलाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। तो देखें आप में से कौन है वो बुद्धिमान। आर यू रेडी? रेडी। इंटरनेशनल राउंड फर्स्ट क्वेश्चन, जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट कौन है? रॉबर्ट गैब्रियल मुगाबे। राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्जेंटीना का कैपिटल? ब्यूनस एरिस। राइट आंसर। दुनिया में ना भौंकने वाले कुत्तों की एक स्पीशीज है, उसका नाम? बसंजी। स्पेल इट। BASENJI। फैंटास्टिक फिरंगी, यू आर अमेजिंग। थैंक यू। गुड। वर्ल्ड के फास्टेस्ट बर्ड का नाम क्या है? स्विफ्ट। चुप कर बे। स्विफ्ट, सेंट्रो, I-10, I-20, 420, बेंज, एम्बेसडर, सब कार के नाम बोल डाल। मैडम जी, ये रॉन्ग आंसर है, इसके मार्क्स माइनस कर दो। संपंगी जी, यू आर नॉट द पर्सन टू डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, डिसाइड जज साहिबा करेंगी। आप बताइए। स्विफ्ट इज द राइट आंसर। थैंक यू। कैसे राइट हो गया ये? राइट कैसे हो गया? उन्होंने पूछा बर्ड का नाम और इसने बताया कार का नाम, ये राइट कैसे हो सकता है? ये कैसे राइट हो गया? संपंगी जी, गो स्टैंड देयर, गो स्टैंड देयर, हट। ऑडियंस क्या सोचेगी, ये गेम शो या फिश मार्केट? वर्ल्ड की फास्टेस्ट बर्ड है स्विफ्ट और उसी का नाम कार को दिया है। इट्स अ फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन। पैदा होते ही इंसानी शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। बड़े होने पर कितनी हो जाती हैं? छोटे हैं तो 300 तो बड़े मतलब ज्यादा 400 हड्डियां। रॉन्ग आंसर। कैंसिल, 300 ही रहेंगी। दैट इज आल्सो रॉन्ग आंसर। तो फिर राइट आंसर क्या है? 206, 206 इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल राउंड कंप्लीट। देखते हैं आपके स्कोर्स क्या हैं। प्रभा मैडम अपना नाम रोशन कर रहे हैं फिरंगी 40। नींद से नहीं जागे लायन सीनू 0। उठ जाओ सीनू। रॉन्ग आंसर और बैड बिहेवियर की वजह से संपंगी -20। नाउ नेशनल राउंड फर्स्ट क्वेश्चन। नेशनल बर्ड पीकॉक। नेशनल एनिमल टाइगर। नेशनल फ्रूट मैंगो। नेशनल गेम हॉकी। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। दशावतारम के 4 अवतार बताओ। मैं बताऊंगा। चाइना कमल हासन, इंडियन कमल हासन, अमेरिकी कमल हासन, दादी कमल हासन। भाई हा? उन्होंने कमल हासन के अवतार नहीं पूछे, विष्णु के अवतार पूछे। मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार। राइट आंसर सीनू, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। हां थैंक यू सर। नेशनल राउंड भी कंप्लीट हो गया है। स्कोर्स प्लीज। लायन सीनू 70। थैंक यू सर। फिरोशस फिरंगी 40। सुपर संपंगी -30। एलिमिनेशन के बिल्कुल पास है। ये सब बेकार है, बकवास है, बेहुदा है, मैं नहीं मानता। एंकर साहब मुझे आप बहुत सारे शक है, मैं इनके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। ये फिरंगी लल्लू रेलवे स्टेशन पर जामुन बेचता था और ये सीनू ढक्कन बस स्टैंड पर चाय बेचता था। इन लोगों को नॉलेज कहाँ से आएगी? पक्का जज साहिबान है, यहाँ पेपर लीक किए हैं। ए भाई ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ? कौन सा? बेटिंग का। तो क्या हुआ? 24 घंटे लोगों से बातें करते रहता हूँ, संसार में कब कहाँ क्या हो रहा है चेक करते रहता हूँ। वहीं से मैंने सब सीखा। मैं बचपन से सूडो को खेलता आया हूँ, बहुत सारे प्राइज मिले, टॉपर था अपनी क्लास में। तुमने तो स्कूल का गेट देखा भी नहीं होगा। स्कूल का गेट कैसे देखेगा, बचपन से झोल झाल के काम में लग गया, इसीलिए आज ये हालत हो गई। संपंगी जी डोंट वरी, आप जैसे स्पेशल कंटेस्टेंट्स के लिए ही तो एंकर चॉइस राउंड रखा है। एंकर चॉइस फर्स्ट क्वेश्चन। राम जी की पत्नी सीता। लक्ष्मण जी की भाभी सीता। लवकुश की माँ सीता। ये तो बहुत गलत बात है, एक ही सवाल को घुमा फिरा कर पूछ रहे हो। फिरंगी जी शट अप, एंकर चॉइस में क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। संपंगी जी इस अगले क्वेश्चन का आंसर शायद मेरी बॉडी लैंग्वेज में छुपा है, इसलिए सोच समझ कर जवाब देना। ओके ना? ओके। पंच पांडव मतलब कितने लोग हुए? पांडव में मतलब 20 तो होंगे कम से कम। कमॉन संपंगी जी पंच पांडव मतलब कितने लोग हुए? ये तो इतना जोर लगा के पूछ रहा है, इसका मतलब 100 तो होंगे कम से कम। आई रिपीट द क्वेश्चन, पंच पांडव मतलब कितने लोग? क्या मजाक है, हमसे तो आपने जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट और अर्जेंटीना का कैपिटल पूछा, और इससे पंच पांडव का सवाल वो भी इशारा करके। वो 5 लोग थे। हाँ 5 लोग थे, फिर भी नहीं बताया। फिरंगी जी इस गेम का एम सिर्फ जीतना नहीं, आपके अंदर के टैलेंट को बाहर निकालना है। अब आप जिस पोजीशन में हैं उसी पोजीशन में संपंगी जी को लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जरा इस गेम के कॉन्सेप्ट को और मेरी कोशिशों को समझो। सुना सर, एकदम सही बात कर रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूँ सर। यू भाई? हाँ जी हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि ये भी हमारे बराबर के पॉइंट्स पर आ जाए। नो मेंशन। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। थैंक यू। अब लोकल राउंड स्टार्ट करते हैं। लोकल राउंड फर्स्ट क्वेश्चन, इस एरिया का पोस्ट ऑफिस कहाँ है? गांधीनगर। कॉलोनी काफी नहीं है, पूरा एड्रेस बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, लाइब्रेरी कहाँ है? इंदिरा नगर। पूरा एड्रेस ठीक है, आपके लिए सवाल और भी आसान कर देता हूँ, लेकिन इस बार इसमें टाइम लिमिट होगी। 20 सेकंड में आपको कोई भी 5 एड्रेस पूरे डिटेल में बताने होंगे। What say? Are you ready? I am ready. Your time starts now. Go. Go. Number 1, 2-8-283/4/B/24 काली माता स्ट्रीट तड़पत्री। नंबर 2, डोर नंबर 7-11-77/B/44 नारायण दास चाल गरोड़ी। नंबर 3, डोर नंबर 1-2-3/43 राजाजी नगर रेलवे स्टेशन के पास। नंबर 4, डोर नंबर 120-420-C-24 ऑपोजिट आंध्र बैंक हिंदूपुर। नंबर 5, डोर नंबर 4-24 बिसाइड उमोपार गोल नगर। एंकर साहब आपने 20 सेकंड दिए थे, मैंने 15 सेकंड में बोल दिया, अब तो मैं ही हूं ना शो का विनर। आपने जो एड्रेस बताया वो सही होंगे, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी क्या है? वो सब मेरे डुप्लीकेट यूनिट के ओरिजिनल एड्रेस है, चाहो तो पता कर सकते हो। जरूरत नहीं है। इट्स टाइम टू डिक्लेयर द टाइटल विनर, मोस्ट इंटेलिजेंट, इट्स नन अदर देन सुपर संपंगी। अरे
बढ़िया है। क्या बक रहे हो तुम? पांच आदमी को तो मार ही डाला और बाकियों के स्टेशन में ले जाके धुलाई की। आप तो अच्छी तरह जानते हो मैं कितना पावरफुल और इंटेलिजेंट हूँ, पर उसने तो मुझे भी मात दे दी भाई। ऐसा पुलिस वाला मैंने आज तक नहीं देखा। अरे संपंगी इतना पतला है फिर भी वो देखकर रुका ही नहीं। आप लोग दुबई में छुपे रहना, दोनों में से कोई भी यहाँ आए तो वो चमड़ी उधेड़ देगा। तुम लोग एक सीआई को मैनेज नहीं कर पाए, हमारा बिजनेस कमजोर हुआ ही अगर भैया को पता चला तो सोच क्या होगा। भैया अगली फ्लाइट की टिकट कराओ। लेकिन वो टिकट कराओ, टिकट कराओ, टिकट कराओ। हमारे परिवार के भविष्य के लिए कमेटी ने एक फैसला किया है। वो क्या है? ये केस बंद करवाने के लिए हम लोग तुम्हारी शादी सीआई से करवाने की सोच रहे हैं। एक बात बताओ बेटी, तुम्हारे मन में कोई और तो नहीं है ना? नहीं नहीं पापा, यही मुझे भी कहना था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कैसे कहूँ। तो आप बोल दो। सच कहूँ तो उनसे तो मुझे पहली बार में ही प्यार हो गया था, उन्हें फंसाने के चक्कर में मैं ही उनके प्यार में फंस गई। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मेरे स्वार्थ के बादल ने मेरे दिल पर घेरा डाल दिया था, अब रियलाइजेशन की बारिश बनकर बरस गया है। क्या डायलॉग है। लेकिन उस सीआई को हमारी फैमिली का बैड इंप्रेशन पड़ा है, उसे कैसे मनाएंगे? मैं बताती हूँ। अंकल स्टार्ट करो। बेटी सरोजा, शिकागो से एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, लड़का बहुत पैसे वाला है। कैलिफोर्निया से भी एक रिश्ता आया हुआ है, लड़का पूरा हीरो दिखता है। कनाडा से भी तुम्हारे लिए एक जबरदस्त रिश्ता आया है। पापा मुझे एनआरआई के रिश्ते नहीं चाहिए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ किसी पुलिस वाले से। बात खत्म। दक्षिणा मूर्ति जी से पूछो इनकी बीपी की टैबलेट्स इनके पास है ना प्रभा? मेरी बीपी बढ़ाने वाली कोई ब्रेकिंग न्यूज है क्या? पूछ लो प्रभा। दक्षिणा मूर्ति को अपना सर दक्षिण की ओर घुमाने को कहो प्रभा। हाँ उत्तर दक्षिण। नमस्कार साहब। क्या बात है, पूरी फैमिली पुलिस स्टेशन तशरीफ लाई है? नहीं माना तो दहेज ऑफर करेंगे। ठीक है लेकिन 10 लाख से ऊपर मत जाना। वो क्या है ना बेटा कि हीरो जैसे आप और हीरोइन जैसी हमारी सरोजा, अब दोनों की शादी की उम्र हो गई है। फिलहाल मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट जगाओ। अच्छा एक बात सोचो, गांधीनगर की 2 मिठाई की दुकान और 10 लाख रुपए कैश और रॉयल एनफील्ड बुलेट मिल जाए तो? जब वो मना कर रहे हैं तो क्यों उनके पीछे पड़ गए हो? हम कुछ भी करें तुम्हें उससे क्या, जब दो बड़े बात करें तो छोटों को चुप रहना चाहिए। मैं तो बस समझा रहा हूँ कि आपकी बेटी को कोई भी मिल जाएगा। तुम्हारी राय किसने पूछी? रिटायरमेंट की उम्र हो गई लेकिन तुम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। भाई तुम्हारे घर पर भी मिठाई भेज देंगे। अच्छा बेटा, हम सबकी पूरी उम्मीद तुम पर ही टिकी हुई है, अगर तुम ना कहोगे तो हमारे दिल टूट जाएंगे। आप कन्विंस अच्छा कर रहे हैं लेकिन आपका कनिंग फेस देखकर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। मेरा कनिंग फेस छोड़ो और इसका स्टनिंग फेस देखो। उस फेस पर तो मुझे ज्यादा डाउट है। अब हम आपको कैसे भरोसा दिलाएं? पापा हाँ? इनको कैसे हैंडल करना मैं जानती हूँ। आप बाहर जाइए प्लीज। लेकिन क्यों बेटा? मैं कह रही हूँ ना जाइए। भरोसा करोगे ना? हाँ करेंगे, जाइए। मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? खुद को बहुत बड़ी हीरोइन समझती हो जो सबको ऐसे बाहर भेज रही हो? क्या बात है बोलो। देखो मेरी तरफ ऐसे घूर कर देखना बंद करो। बोलो ना क्या बोलना है। दामोदर के सारे इलीगल बिजनेस ऑलमोस्ट क्लोज कर दिए हैं सर, सिर्फ मेन बिजनेस बचा है। जो चीज ब्रांडेड होती है उसमें कोई चिंता की बात नहीं होती। तुम मेरे हुकुम के इक्के हो लेकिन मेन मैच तो अभी बाकी है। उस दामोदर को पुलिस की असली ताकत क्या होती है ये बताना है। आप बस मैच एंजॉय कीजिए सर, मैं उन दोनों को घुटनों के बल लाकर खड़ा करूंगा। आज तक हर पुलिस ऑफिसर उससे डरते थे लेकिन आज उस एरिया में सब लोग तुमसे डरते हैं। अब यहाँ आ ही गए तो एक फिल्म देखकर ही चलते हैं ना सर। पहले दामोदर की फिल्म का दी एंड करो, बाद में दूसरी फिल्म देख। करेक्ट। कौन थे सर? मेरे डैड थे। आज के बाद अपनी मनहूस सूरत तुम मुझे कभी मत दिखाना, और अगर तुमने कोशिश भी की तो वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा। ये बाप बेटे का कोई मामूली प्यार नहीं है सर, भक्ति है। भक्त को भगवान कभी अपने से दूर नहीं रखते सर। आप जरूर उनसे दोबारा मिलेंगे, मैं मिलवाऊंगा।
अरे छोड़ो, अरे सॉरी भाई। कहाँ है तेरा नया सीआई? कहाँ है? बोल। ए। पुलिस वाला है कि कोई फिल्म का हीरो है तू? हिम्मत है तो तेरी हीरोपंती मुझे दिखा। इसे कहीं ढक कर रख देना, इस पर डस्ट नहीं पड़नी चाहिए। सर ने वॉच उतारा, समझो मैच शुरू होने वाला है। शुरू हो गया है? कैसे लोग भेजे हैं दामोदर ने, कितने डरे हुए हैं सबके सब। अरे कोई तो आ जाओ। ये सब देखोगे तो परेशान हो जाओगे, आंखें बंद करो और बस कूद जाओ यार। यही पूछा था ना? पुलिस मतलब हीरो, वो देख, वो है हीरो। देख, देख, हमारे हीरो को देख, हम सबका हीरो है वो, देख। मैं तेरे दामोदर भैया को बहुत जल्द लटकाने वाला हूँ, जाकर उससे कहना। प्यारे भैया, सीआई साहब सीनू, फिरंगी, संपंगी के लिए नहीं आए हैं और ना ही मेरे लिए। हमारा जो चिल्लर बिजनेस था, उसे जैसे धीरे धीरे उन्होंने सीज कर लिया है ना, वैसे ही आपका ड्रीम प्रोजेक्ट बंद करके आपका किस्सा खलास करने वाले हैं वो। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आप में हिम्मत है तो ट्राई कर लो। इसने हमें कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, लेकिन सीआई साहब ने इसे भी कुत्ते की तरह ही पीटा। क्या बोलते हो? लेकिन वो अब तक आए क्यों नहीं? आएंगे आएंगे। ऐसे हीरो जैसे शेड्स लगाकर क्या बैठा है? मेरा मैसेज दिया नहीं तेरे इस जोकर ने? मेरे आदमियों को बेवकूफ बनाकर उनके मामूली बिजनेस सीज करने जैसा आसान नहीं है मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को टच करना। ए, इस प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी ने क्लियरेंस दिया है, एनर्जी कमीशन ने लाइसेंस दिया है, फॉरेस्ट अथॉरिटीज ने परमिशन दी है और हेल्थ डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दिया है। ऐसे प्रोजेक्ट को कैसे रोक पाएगा? वैसे मुझे कविताएं बनाने का बहुत शौक है, एक सुनाता हूँ। मुझे पत्थर से मत मारो, उन्हें बटोर कर घर बना लूंगा। मुझे जलाने के लिए आग मत लगाना, उससे मैं घर के दीप जला लूंगा। मुझे यहाँ से हटाने के मत सोचना तुम, वरना यहाँ से हटाकर तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। और हाँ, याद रखना एक बात, मुझे मारने के लिए जहर मत देना, वरना पीकर नीलकंठ बन जाऊंगा। सिंपल। फॉरेन टूर्स पर विस्की पीने वाले अब जहर पियेंगे। विशाल बारा, ये फॉरेन टूर कोऑर्डिनेटर नहीं, अंडरकवर कॉप है। मेरे यहाँ लैंड होने से पहले ही इसे वहां प्लांट कर दिया था। तुमने वो डिपार्टमेंट क्लियरेंस कैसे ली, किससे मसाज करवाया, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है और इस प्रोजेक्ट में मैं स्टे लेकर आया हूँ। तो कौड़ी के पुलिस वाले मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को टच करेगा तू?
तेरी औकात ही क्या है? ए, इसके टुकड़े टुकड़े करके चील और कौओं को खिला दोगे ना? अपडेटेड हूँ यार, उसके लिए पहले टुकड़े करने पड़ेंगे, पर वो तुमसे होगा नहीं, ट्राई कर लो। अरे क्या बात है, सीआई साहब कितने चालाक हैं। कचरा साफ करके बोर्ड लगा दो, चलो। मिस्टर दामोदर, स्पेशल डिवीजन कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर टेम्परेरी स्टे लगाया है। देखिए दामोदर जी, जैसे कहा था ड्रीम प्रोजेक्ट बंद करवा दिया, अब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है आपको फांसी दिलवाना। ऐसे घूर क्यों रहा है, खा जाएगा क्या? विद योर परमिशन सर, प्रोसीड। ओए, तुझे क्या लगता है सर, यहाँ तेरी घटिया पर्ची सुनने आए थे? पुलिस, अब समझा हमारे डिपार्टमेंट की ताकत, अब एक एक से इज्जत से बात करेगा तू? हमें इमोशंस नहीं होता, फीलिंग्स नहीं होती, कंसीडरेशन नहीं होता, रिकमेंडेशन नहीं होता, ओनली एलिमिनेशन। जहन्नुम दिखा के रख दूंगा तुम जैसों को, राउडी हो या गैंगस्टर हो, टेररिस्ट हो या क्रिमिनल हो, तुम में से कोई नहीं बच पाएगा, बिकॉज वंस ही कॉन्सेंट्रेट्स काउंटडाउन बिगिंस। यार तेरी पोएम तो इससे भी अच्छी थी, आज के लिए इतना ही काफी है। एंड में कुछ ज्यादा ही नहीं सुना दिया यार शेखर, अगर वो तेरी स्पीच सुनकर मर गया तो फिर मैं किसे मारूंगा? इसका नाम हर्षद है सर, ये ह्यूमन राइट्स ऑफिसर के मर्डर का आई विटनेस है। तो फिर ये बताओ, इतने दिनों से पुलिस को इस बात की कंप्लेंट क्यों नहीं की तुमने? मैं डर गया था सर, लेकिन जब से सीआई साहब को देखा है हिम्मत आ गई है सर, भरोसा बढ़ गया है, इसीलिए मैंने इनको सब कुछ बता दिया है। दामोदर ने मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त को मार डाला, उसे तो सजा मिलनी चाहिए सर। शंकर, एक विटनेस काफी है दामू का अरेस्ट करने के लिए, कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट लेकर कल ही उसे सलाखों के पीछे डाल देते हैं। ये रिपोर्ट इमीडिएटली आईजी ऑफिस में फैक्स कर। सर, सर दामोदर ने आई विटनेस का खून कर दिया, आप खुद देख लीजिए। एसपी साहब, बटालियन क्यों लाए? मिस्टर दामोदर, यू आर अंडर अरेस्ट। चार्ज क्या है? हर्षद नाम के आई विटनेस के मर्डर का इल्जाम है तुम पर। एए। Thank you.
हे हर्षद, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है एसपी साहब को क्लियरली बताओ। सर, दामू जी से सीआई साहब को शायद कुछ पर्सनल दुश्मनी है, इसीलिए ह्यूमन राइट्स ऑफिसर का खून दामू भाई ने किया है सर, गवाही देने के लिए सीआई साहब ने मुझे फोर्स किया था। इतना ही नहीं सर, दामू जी के डुप्लीकेट से मेरे फेक मर्डर का वीडियो भी इन्होंने बनवाया है। उसके बाद सीआई साहब की कस्टडी में मुझे किसी ने मारने की कोशिश की तो मैं वहाँ से किसी तरह भाग निकला सर। मिस्टर शंकर, डिपार्टमेंट ने पावर पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है, अपने पर्सनल यूज करने के लिए नहीं। यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, अदरवाइज यू विल बी सस्पेंडेड। मिस्टर दामोदर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। इतने दिन तूने मेरे लोगों के साथ खेला, अब तेरी बारी है। मुझे पता था कि तेरा आदमी मुझ पर नजर रख रहा है। अब अपना इन्फ्लुएंस यूज करके तुम्हें आसानी से सस्पेंड करवा सकता हूँ। अगर बचना चाहते हो तो मेरे पावर प्रोजेक्ट्स पर लगे एलिगेशंस क्लियर कर दो। मेरी वजह से आपको सर झुकाना पड़ा सर। दामू ने मेरे बीवी बच्चों को किडनैप कर लिया था और उन्हें मारने की धमकी दी थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर देना सर। वो मुझसे नहीं बच पाएगा। मेरे भाई की मौत का कारण भी वो। आपके भाई को मारा? आईजी सर ने मुझे वो फाइल दी तब पता चला। इस केस में जिस कलेक्टर ने सुसाइड कमिट किया वो मेरा भाई था। तभी मैंने दामू को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन टारगेट मिस हो गया। शंकर का टारगेट कभी मिस नहीं होता। मैं जानता हूं तुमने कोई गलती नहीं की थी। उस वक्त जो कुछ भी हुआ था वो सब तुम्हारे भैया ने मुझे बताया। तुम्हारे भैया और भाभी की आत्महत्या के पीछे बहुत बड़ी साजिश की गई थी। मरने वाला ह्यूमन राइट्स ऑफिसर तुम्हारी भाभी का क्लासमेट था। लोगों को इस पावर प्लांट से हानि पहुंचेगी, इस सिलसिले में आपका सपोर्ट चाहिए सर। आप रेखा के दोस्त हैं इसलिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आपको मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। ये प्रोजेक्ट किसी भी हाल में पूरा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। इस प्रोजेक्ट में ऑफिसर का इंटरफेरेंस दामू को पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने ह्यूमन राइट्स ऑफिसर को मार डाला। उसके बाद तुम्हारे भैया ने केस की सारी डिटेल्स एसपी अर्जुन राव और मिनिस्टर नागराज को बताई। उन लोगों ने तुम्हारे भाई का साथ देने का वादा किया। कुल मिलाकर 1500 लोग रहते हैं सर हमारे गांव में। बच्चों को पढ़ाई के लिए 3 किलोमीटर चलना पड़ता है। हमने नजदीक स्कूल खोलने की कोशिश की तो दामोदर ने उस जगह पर कब्जा कर लिया। विद्या सब बच्चों का हक है, मुझे कुछ और टाइम दीजिए। आपके गांव में जल्दी ही स्कूल खुलेगा, भरोसा रखिए। थैंक यू सर। मिस्टर कलेक्टर, वी आर फ्रॉम एसीबी। इनके ब्रिक फैक्ट्री लीगल है, फिर भी आप इनसे जबरदस्ती रिश्वत मांग रहे हैं, ऐसी कंप्लेन लिखवाइए। नहीं सर, ये तो स्कूल के काम से आए हैं। अरे झूठ है सर, आप चाहे तो फोल्डर खोल के देख लीजिए, 5 लाख लाने को कहा था। What is this? He is lying, sir. मैंने कोई डिमांड नहीं की है। हाँ सर, आपको जो भी कहना है इंटरोगेशन में कहिए। You are under arrest. अब सब कुछ क्लियर है सर, दामू ने जानबूझकर मुझे इस केस में फंसाया। आपको इस केस में फंसा कर उन्हें क्या फायदा होगा? दामू इलीगली एक पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला है, उसकी रिपोर्ट मैंने मिनिस्टर नागराज को दे दी थी। एकदम झूठ, ये कलेक्टर सरासर झूठ बोल रहा है। आज तक मैं इससे कभी मिला ही नहीं और ना ही इसने कोई रिपोर्ट दी। अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए ये हम जैसे बड़े बड़े लोगों का नाम उछाल रहा है। ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। सर, इसी सिलसिले में जिस ह्यूमन राइट्स ऑफिसर का मर्डर हुआ था उसकी जानकारी मैंने एसपी अर्जुन राव को दी थी। यस सर, उस केस पर हमारे डिपार्टमेंट ने डीप इन्वेस्टिगेशन भी की थी, फिर कुछ सच बाहर निकले। वो ह्यूमन राइट्स ऑफिसर और कलेक्टर साहब की वाइफ के नाजायज संबंध थे। कलेक्टर साहब ये बर्दाश्त नहीं कर सके और ह्यूमन राइट्स ऑफिसर की दिन दहाड़े हत्या कर दी। ये रही आई विटनेस की रिपोर्ट। कलेक्टर साहब ने पावर प्लांट के लिए मुझसे 10 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। जब मैंने ना कहा तो मुझे कई तरह से ब्लैकमेल भी किया। हम दिन रात मेहनत ऐसे करप्ट ऑफिसर्स की जेब भरने के लिए नहीं करते हैं सर, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन लोगों ने अपने कदम वहीं पर नहीं रोके। तुम्हारे भैया के जेल जाने के बाद उन्होंने रेखा को टारगेट किया। तुम्हारा पति जेल में है और बॉयफ्रेंड ऊपर चला गया, अब क्या करोगे? आप फोन है भाई, ये शादीशुदा है तो इसे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद जब भरत बेल पर घर वापस आया तो सारे के सारे न्यूज चैनल्स वाले उसी की बदनामी कर रहे थे। रिश्वत लेने के कारण पकड़े गए कलेक्टर भरत के केस में कुछ नई बातें सामने आई हैं। हमें शक है कि हाल ही में जिस ह्यूमन राइट्स ऑफिसर का मर्डर हुआ था उस ऑफिसर के कलेक्टर भरत की पत्नी रेखा के साथ नाजायज संबंध थे, इसलिए भरत ने उस ऑफिसर का मर्डर कर दिया। पुलिस अभी तक इस केस की छानबीन कर रही है। ये सब क्या है भैया? सुनो बहन,
परेशान मत हो, हम जानते हैं कि सच क्या है। इनका तो काम ही है दूसरों पर कीचड़ उछालना। आपसे कुछ बात करनी है पापा। मुझे पता है तुमने कोई गलती नहीं की है। मैंने गलती की है पापा। बचपन में उस लड़के की मौत का कारण शंकर नहीं था पापा, मैं था। आपकी इज्जत बचाने के लिए वो खुद जेल चला गया। तुम पापा से इस बारे में कुछ नहीं कहोगे, प्रॉमिस करो। आपकी बात मानकर हमसे दूर भी हो गया, ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। ये बात उसने मुझे उस दिन क्यों बताई, ये समझने में मैंने थोड़ी देर कर दी। अंकल जी। हाँ। मैं बहन और जीजा जी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ, उनको थोड़े चेंज की जरूरत है। ठीक है बेटा। दादाजी दादाजी। क्या बात है? मेरे साथ आइए। हाँ वो देखिए। भगवान, बहन, भरत, भरत, ये क्या हो गया बेटा? भरत, मेरा बेटा लोगों की भलाई के लिए एक जंग लड़ रहा था, उसे उन्होंने जलील किया और फिर उसकी मौत की वजह बन गए। हमारे प्रोजेक्ट के पीछे वो दो कौड़ी का सीआई हाथ धोकर पड़ा है। अरे काट डालो उसको अभी, अगर उसे हाथ लगाया तो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ जाएगा। केस ओपन उसी ने किया था और अब तक उसी के हाथों में है, तो बंद भी उसे ही करना पड़ेगा। मुझे उसके साथ जो भी करना था मैं कर चुका हूँ, अब बॉल उसके कोर्ट में है। मुझे पता था तू आएगा सरेंडर करने और सॉरी बोलने। चुप है, आर्गुमेंट मत कर, तेरी बकवास नहीं सुननी है। तेरा लिकर बिजनेस बंद करवाया, बेटिंग बिजनेस बैन करवा दिया, डुप्लीकेट धंधे पे ताला लगाया, ये सब किस लिए किया? पावर में था इसलिए किया, पावर है तो सब कुछ है ये मैं समझ गया। बिना पावर के हम हार जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें एक प्रपोजल दे रहा हूँ। मुझे मेरी पावर चाहिए, तुम्हें पावर प्रोजेक्ट चाहिए, तो मेरे सस्पेंशन ऑर्डर हटवा दो, मैं प्रोजेक्ट स्मूथली चलने दूंगा। वेरी गुड डिसीजन। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया सर। मिनिस्टर साहब, आप यहाँ इस प्रोजेक्ट के स्लीपिंग पार्टनर? प्रोजेक्ट का परमिशन मैंने ऐसे थोड़े दे दिया। तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर्स मैंने दिए। आपने दिए? जब कैप्टन ही बिका हुआ है तो प्लेयर्स क्या करेंगे? अब कैच किया है, ऐसे रहोगे तो प्रमोशन कंफर्म। मंत्री जी, प्रमोशन के लिए तो मैंने ये स्टेप लिया था। लव यू। थैंक यू शंकर। अब तक इस प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही थे, और अब इसके कम्प्लीशन तक मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, याद रखना। कल मेरा बर्थडे है, यू बी माई स्पेशल गेस्ट। थैंक यू। अब ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, ना किसी को करने दूंगा। बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे दामू जी। बर्थडे गिफ्ट के लिए आप पर लगे सारे केसेस हटा दिए। एकदम झूठ। पावर प्रोजेक्ट की अपील की हियरिंग भी कल है। ना अपील है ना हियरिंग। एक हफ्ते में आपके हाथ में ऑर्डर्स आ जाएंगे। हथकड़ी आ जाएगी। सारे गेस्ट तो आ गए, केक काटिए ना, किसका इंतजार है? मेरी सुशीला का। प्लीज कम। अब ये कौन है मंत्री जी? सुशीला, दामू गर्लफ्रेंड। बहुत संस्कारी हैं ही मैडम। वाओ, गॉर्जियस, मेस्मराइजिंग, स्पेल बाउंडिंग, यू आर लुकिंग सो सेक्सी बेबी। एसपी। मैंने ऐसा क्या कह दिया दामू? सेक्सी से मेरा मतलब सिर्फ कॉम्प्लीमेंट देना था। तारीफी करनी है तो कोई डिसेंट शब्द बोलना। क्या समझा है तूने सुशीला को? सॉरी जान, ये तो बेवकूफ है, चलो केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। दामू, ये पार्टी वार्टी बहुत हो गई, अब हमें प्रोजेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वैसे भी दिल्ली सूरी बहुत गुस्से में है। अरे वो पता नहीं। एक मिनट सर, भाई दिल्ली से फोन है। हाँ बोलिए सूरी साहब। वो सब मैं देख लूंगा। नहीं नहीं, आप कोई टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा, भरोसा कीजिए सूरी साहब, मैं हूँ ना। बेल सूरी। बेल सूरी? कुछ साल पहले दिल्ली म्यूनिसिपल स्कूल का बेल बॉय, वहाँ घंटी बजाने के साथ साथ करप्शन भी अच्छे से सीख गया। आज की डेट में वो इंडिया का टॉप मोस्ट ब्रोकर है। देश के लगभग 10-15% इलीगल कामों को वही फाइनेंस दिलवाता है। जिस भी प्रोजेक्ट के लिए उसने पैसे अरेंज करवाए, उसका 2% उसकी पॉकेट में। कोई भी टेढ़े से टेढ़ा काम क्यों ना हो, ये ब्रोकर कैसे भी उसे सॉल्व कर ही देता है। ABCD नहीं जानने वाले को भी ग्रेजुएट बना देता है। पाकिस्तानी टेररिस्ट का पासपोर्ट तक भी बनवा सकता है। 2% फेंको, वो कोई भी काम करके दिखा देगा। पैसे दोगे तो वो गटर में भी आपके लिए स्विमिंग करेगा। ये तो आपसे भी घटिया निकला, क्या इसकी शादी हुई है? वाइफ झेल नहीं सकी तो छोड़कर भाग गई। ये नमूना कहाँ पाया जाएगा? ओनली फोन पर।
पर्सनली मिलना बहुत मुश्किल है। रोज का 4 घंटा आउटर रिंग रोड पर, 3 घंटे एयरपोर्ट पर और 2 घंटे फ्लाइट में रहता है। प्रॉपर अपॉइंटमेंट के बिना अपने बच्चों से भी नहीं मिलता। एक लाइन में बताना हो तो इज इन्फेक्टेड, करप्टेड, कंटेमिनेटेड, फ्रॉड, मैनिपुलेटेड, परवर्टेड, फ्रॉजिलेंट, रॉटन, अनएथिकल, फेथलेस, अनप्रिंसिपल, टू फेसेड, ट्विस्टेड, क्रूकेड, क्रिपल्ड, क्रिमिनल। यस, ऐसा ही हूँ मैं। इस दिल्ली सूरी के पास सिली सेंटीमेंट्स नहीं है, मुझे इमोशन नहीं, कमीशन चाहिए। मेरा परसेंटेज मेरे लिए सब कुछ है। तुम अगर ज्यादा दोगे तो ऑलरेडी तिवारी को सेट किया हुआ 3G प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम शिप कर दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम पहले कमीशन की बात करो, उसके बाद बाकी की बात होती रहेगी। ये तो दिखने में इतना स्मार्ट नहीं है। जामर ऑन करो। चाहो तो मल्होत्रा से हेलो हेलो हेलो। उफ, ये नेटवर्क, अब मोबाइल कंपनी भी शुरू करनी पड़ेगी। क्या सर, फ्लाइट में इतना खर्चा करके दिल्ली जाना जरूरी है? हम अपना खर्चा देखते रहे तो सूरी साहब का क्या होगा? अब ये सूरी कौन है? दामोदर के पावर प्रोजेक्ट का बैकबोन, लेकिन वो तो सूरी का इस्तेमाल कर रहा है। जस्ट 2% कमीशन देकर खुद 1000 करोड़ निकल गया। इसमें गलत क्या है सर? अरे प्रोजेक्ट परमिशन के लिए मिनिस्टर को 25% दिए, लोकल सपोर्ट के लिए SP साहब को 25% दिए, लेकिन सारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवाने वाले उस गधे को सिर्फ 2%। तो इसमें आप क्या करेंगे सर? दामू का ये सारा घपला मैं सूरी को बताऊंगा, बोलूंगा कि कमीशन नहीं पार्टनरशिप पर काम करो। इसमें आपको क्या फायदा? अरे यार, उन्हें 200 करोड़ मिलेंगे तो हमें 2 लाख नहीं देंगे क्या? ये गधा तो 2 लाख लेकर मुझे 200 करोड़ दिलाएगा। फ्लाइट का टाइम हो गया। कहां जा रहे हो? दिल्ली। जरूरत नहीं है। तुम कौन होते हो कहने वाले? दिल्ली सूरी। दिल्ली सूरी, माय गॉड, दिल्ली सूरी आप हैं। सॉरी सर, आपको पहचाना नहीं, कुछ भी बग दिया। कोई बात नहीं, इस उम्र में ऐसी गलतियां होती है। आई कैन अंडरस्टैंड। यू आर आउटस्टैंडिंग सर। तो कम नहीं हो। कमीशन से बंद होने वाली मेरी आंखें तुमने खोल दी। काम उसे पार्टनरशिप आज ही फिक्स कर। नेक काम में देरी कैसे? नेटवर्क नहीं यार, जरा ट्राई कीजिए। अरे आ गया। हाँ बोलिए सूरी साहब। देखो कल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, हमारे सारे पार्टनर्स के साथ मीटिंग अरेंज करो, बाकी की बात वहीं आकर करूंगा। ठीक है सूरी साहब। अरे तू मरेगा, तेरा अननोन नंबर। ये कैसी रिंगटोन है? मेरी बीवी की आवाज है। उसके और मेरे तलाक के बाद वो मुझे दिन रात यही श्राप दिया करती थी, लेकिन नुकसान के बजाय मुझे फायदा हो गया। अब उसने मुझे श्राप देना बंद कर दिया, इसलिए रिंगटोन बनाना पड़ा। आप अमेजिंग है सर, लेकिन याद रहे हम मिल चुके हैं, ये बात उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए। आप कौन? मैं कौन? आप कौन हो? आप सुपर हो। क्या सूरी साहब, हमारी तो ब्रोकरेज की बात हुई थी, अब आप प्रोजेक्ट में शेयर क्यों मांग रहे हो? ब्रोकर हो तो क्या, ब्रोकर ही बना रहूंगा, ओनर नहीं बन सकता। hey, सूरी, ज्यादा बोलेगा तो इधर इंच काट डालेगा। तो फिर लोन कैंसिल, ऐसे डराओगे तो काम नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। hey! दुर्गा रुक जा। सूरी साहब आप बैठो, आपको पार्टनरशिप चाहिए इतना ही ना? हाँ इतना ही। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में 50% मेरा है, बाकी 50% इन दोनों का है, उसमें से 10% सैक्रिफाइस करके ये आपको दे देंगे, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं दूंगा। हाथ पैर जोड़कर परमिशन हम लेकर आए और इस भिखारी को तोहरे करने पर 5% दे दें। ए मिनिस्टर, मुंह संभाल के बात कर। नहीं तो का? नहीं तो काट डालूंगा। तू कर तो दिखा। मिनिस्टर जरा सुन दो। ये सब 5% के लिए अब अपना पुराना रिलेशन खराब करेंगे? अरे SP साहब आप समझाइए। नहीं नहीं प्लीज। शेयर हम आखिर किसे दे रहे हैं? अपने सूरी भाई को। हम अगर उन्हें 1 गिफ्ट देंगे तो वो 10 ऐसे और प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करेंगे। क्यों सूरी भैया? इसको जो करना है करो, हम जा रहे हैं। सुनो तो, गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन होता है तो फार्म हाउस जाकर हंटिंग करके वेज खाते। अरे बैठो ना तुम। सूरी साहब अब तो खुश है ना? पार्टनरशिप डीड जब हाथ में आएगा तभी मैं खुश होऊंगा। उसमें 3-4 दिन लग जाएंगे। तो फिर जब तक काम नहीं होगा मैं यहीं पर रहूंगा। तो हमारे गेस्ट हाउस में रहिए, किसी होटल से कम नहीं है। मिस्टर का फ्रस्ट्रेशन और भाई का इरिटेशन देखकर मुझे डर लग रहा है। मुझे 24 आवर सिक्योरिटी चाहिए। नो प्रॉब्लम शंकर सर, सूरी भैया की पूरी सिक्योरिटी मैं तुम पे छोड़ता हूं। ओके हैप्पी फॉर द टाइम बीइंग। कॉन्ग्रेट सूरी जी, अब आप ब्रोकर नहीं ओनर हो। स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। भाई बैटरी बैकअप, आप फोन पर ज्यादा बात करते हैं ना, इसे 1 घंटा चार्ज करोगे 10 घंटा चलेगी, आपके बहुत काम आएगी। तुम्हारा एडवांस पेमेंट गुरु जी, इसमें 2000 कम है। टीडीएस गुरु। शंकर तुम क्या बोल रहे हो? हाँ सरोजा, अगर तुम्हें केस से नाम हटाना है तो डिपार्टमेंट की हेल्प करनी होगी। क्या करना होगा? ज्यादा कुछ नहीं, हम लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक शॉर्ट फिल्म प्लान कर रहे हैं। उसके लिए आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे तो मुझे याद आया आपकी फैमिली तो फिट है। थैंक यू बेटा, हमारे ब्लड में शुगर के अलावा एक्टिंग ही एक्टिंग बसी है। तुम्हारी फिल्म का टाइटल क्या है? शॉर्टकट। वेलकम टू शॉर्टकट। एक ऑर्डिनरी ब्रोकर 6 हफ्तों में 60 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? बस अपनी ब्रेन की पावर को यूज करके। और यही है आज हमारे शॉर्टकट की स्टोरी। हमेशा कमीशन के लिए ही काम करते थे ना, अब अचानक शेयर क्यों मांग रहे हो तुम? जिंदगी में हमें आगे नहीं बढ़ना है क्या? ब्रोकर हमेशा ब्रोकर ही रहेगा, ऑनर नहीं बनेगा क्या? पैसा मेरा, रिस्क मेरा, टेंशन मेरा, और मजे तुम उठाओ। जब काम खत्म हो जाता है तो कुछ परसेंट देकर हमें साइड करके भूल जाते हो। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप, आराम से बात करते हैं। लेकिन ये क्रिमिनल ब्रोकर सिर्फ यहीं पर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसने तो पूरे प्रोजेक्ट पर ही आंखें टिका ली। उसके लिए ये किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो गया।
टीवी पे फिल्म देखकर इतने सीरियस क्यों हो गए? सिचुएशन चेंज हो गई है और अब प्रोजेक्ट में 50% मेरा होना चाहिए। ये तो गलत बात है ना, वो आपका शेयर तो दे रहे हैं। इफ यू एक्सपेक्ट अदर्स मनी देयर विल बी मेनी प्रॉब्लम्स। लालच बुरी बला है। इतना ही नहीं सर, वो पैसा चुप करे, अपना लेक्चर कहीं और जाकर सुनाओ। तुम मेरे दोस्त हो कि उनकी तरह दुश्मन, मुझे तुम्हारा सजेशन नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए। मेरी अंतरात्मा सपोर्ट नहीं करेगी ना, वो मेरे घर आएगी, मेरे किचन में आएगी, मेरे बेडरूम में आएगी, मेरे बाथरूम में आएगी। भगवान के पास जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा सर? दिल्ली सूरी एक्स्ट्रा 2 लाख देगा तुम्हें। सच में? हाँ सच में। अब क्या कहती है तुम्हारी अंतरात्मा? उसे तो मैं समझा दूंगा सर, क्या करना है वो बताइए। सब डॉक्यूमेंट्स को साइन करने से पहले पढ़ लो। क्या कह रहे हैं सूरी साहब? जहाँ कहेंगे साइन कर दूंगा। ठीक है, जहाँ जा टिक्किया हुआ कर दो। अरे तू मरेगा, तेरा सत्या। हेलो, बोलो। मैंने मना किया ना? अरे मेरी बात तो सुनो, इतना भड़क क्यों यार? समुद्र में लहर उठना और पार्टनर्स के बीच झगड़ा होना कॉमन है, बैठ कर बात सुलझानी चाहिए। खून खराब है, मैं कुछ नहीं रखा है। हेलो 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 हेलो, किसका फोन था सूरी साहब? तुम्हें इससे क्या है, तुम साइन करो यार। कल से ऐसा ही कर रहे हैं, फोन पर कौन है बताते नहीं है, सबसे ऐसे ही बातें कर रहे हैं, पूछो तो चिढ़ जाते हैं। ज्यादा मत बोलो, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। शेयर करने से प्रॉब्लम कम होती है सूरी भाई। तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर नहीं करना। दामू, बाथरूम कहाँ है? उस तरफ। डियर सूरी, इतना सब करने के बाद भी उस दामू ने मेरा हिस्सा कम कर दिया। मन करता है उसको खत्म कर दो। नागराज, इसका मतलब फोन नागराज ने किया था। दामू, सब जगह साइन कर दिया है ना? क्या कल रात से तुम्हें मिनिस्टर नागराज के ही फोन आ रहे हैं? कैसे पता चला तुम्हें? ये बात मुझसे क्यों छुपाई? बोलो बोलो बोलो। क्या बताऊँ, यही क्यों नागराज तुमसे बदला लेना चाहता है? सीबीआई इंक्वायरी बैठा के पूरा प्रोजेक्ट बंद करवा देगा। ये बताओ, ये बताओ तुम्हें। नागराज जी ऐसा क्यों करेंगे? नागराज तुम्हारा क्लासमेट है क्या, जो हर वक्त उसके साइड लेते हो? खुद के पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है कुछ पता है तुम्हें? क्या हो रहा है वहाँ? तुम्हारा एसआई मूर्ति इनके सारे केसेस की डिटेल्स आज नागराज को देने वाला है। क्या कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताता, सोचा था कि उसे रोक लूंगा, तुम्हें नहीं बताकर उसके फॉर्म हाउस आ रहा था मैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अगर तुम यकीन नहीं होता तो चलो। गुड मॉर्निंग सर। काहे का गुड मॉर्निंग? जब मैं फ्रस्ट्रेशन में होता हूँ तो सबसे दूर इस फार्म हाउस में आ जाता हूँ। सिक्योरिटी को भी अपने साथ नहीं लाता हूँ, तुम कहाँ चले आए? सर सर सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। पुलिस स्टेशन में हो रही प्रॉब्लम्स की जानकारी देने के लिए एसआई साहब ने मुझे इधर भेजा है सर। प्रॉब्लम का है बको, देख लो अपनी आंखों से। सूरी जी, आपको लिप रीडिंग आती है ना, वो क्या बात कर रहे हैं जरा बताएंगे प्लीज? या श्योर। ये देखिए, दीवारों का रंग उतर रहा है सर। दामोदर का असली रंग यही है सर। नेक्स्ट, पावर भी पूरे दिन नहीं रहता। पावर प्रोजेक्ट भी नहीं शुरू होना चाहिए था। मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है, टॉयलेट का डोर भी मजबूत नहीं है। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है कि कुछ गुनाहों के सबूत उसने इस तरह मिटा दिए। और ऊपर से मच्छरों का भाड़ में जाए मच्छर, वो तो हर जगह होते हैं। भाड़ में जाए यारी दोस्ती, अब दामोदर नहीं बच पाएगा। ठीक है, देख लेंगे, तुम जाओ। सर त्योहार का मौसम है तो अगर आप। थैंक यू सर, चलता हूं। आ जाओ। सोचा नहीं था दक्षिणा मूर्ति ऐसा निकलेगा। तुम ही बताओ उस बेचारे के पास ऑप्शन क्या है? तुम उसे लाखों रुपए तनख्वाह देते हो क्या? वो नागराज सुबह सुबह फाइल लेकर दिल्ली के लिए निकल जाएगा। सेंट्रल में उसका होल्ड बहुत पावरफुल है, सीबीआई में भी पहचान है। तो अब क्या करें सूरी जी? उस नागराज को हटा देना चाहिए। बाप रे, वो दामू का दोस्त है। काहे का दोस्त? बॉडी का पार्ट हो या बिजनेस में पार्टनर, खराब हो जाए तो कट कर देते, वरना वी आर फिनिश्ड। अब सोचने की कोई जरूरत नहीं, कट ही इमीडिएटली, कट ही इमीडिएटली। उन्हें सोचने का मौका तो दीजिए, क्या कट हिम कर रहे हैं आप? कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कट हिम इमीडिएटली, कट हिम, आई से कट हिम ऑफ। का किया तुमने? मैं उसका शिकार करने वाला था और तुमने उसको भगा दिया। उस हिरन के पास अभी और भी वक्त है, पर तेरा वक्त खत्म हो गया। तेरी वजह से जिस कलेक्टर ने आत्महत्या की थी वो मेरा भाई था। आज तेरा किस्सा खलास। हमारा नहीं, तुम्हारा। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले कभी ना कभी उसमें खुद गिर जाते हैं। तूने मेरे भाई की बदनामी करके उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। मैंने दामू के सामने तुझे बदनाम किया और वो सोचता है कि तू उसे मारना चाहता है। अब तेरे दिन भर गए, देखता हूँ कि मेरे बिछाए जाल से तू कैसे निकलता है। चेकमेट। अरे दाम,
बाबू कान का बहुत कच्चा है, पता नहीं इसने हमारे बारे में क्या बोला होगा। यह तो नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, दामू को फोन कैसे करूं? इस पेड़ पर चढ़ता हूं, नेटवर्क मिलेगा। आजा आजा नेटवर्क, आजा 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 ना बे। अरे पगला गए हो, ये सब धोखा है, साजिश है। उस अला शंकरवा ने ड्रामा करके दामू को भड़का दिया है। ये बोल छो, गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, हमारी बात समझ में नहीं आ रही है बुड़बक कहीं का। की? ओहो, तो दामू ने ऐसा गुंडा भेजा है जिनको हिंदी नहीं आती है। की? चुप कर, तुम हमको नहीं समझ रहे हो, हम तुमको नहीं समझा देता हूँ। दर्द शंकरवा इस डेंजरस आदमी, ऐसे सब खत्म हो जाएगा। खत्म खत्म खत्म। हमा के खत्म कर भी। हाँ हमा के। पार्टनर्स के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने का सोच रहे ब्रोकर के प्लान ने काम किया या नहीं, लेट्स चेक इट आउट। फिल्म खत्म हो गई है। ये मिनिस्टर को ऐसे कैसे मार दिया यार? मर्डर तो आप ही ने प्लान किया था, अब आप ही पूछ रहे हैं। मैंने क्या प्लान किया? जरा ये सीन देख लो। उस नागराज को हटा देना चाहिए, सोचने की कोई जरूरत नहीं। कट हिट इमीडिएटली, कट हिट इमीडिएटली। अरे मैंने शेयर कट करने के लिए कहा था, आज में काटने के लिए नहीं। हमने जो मीनिंग समझा वो कर दिया। वीडियो कोर्ट देखेगी तो अरेस्ट करेगी, दामू देखेगा तो मार देगा। कोई वीडियो नहीं है। तो ये वीडियो देखो। उस दामू और पार्टनर्स के बीच झगड़ा करवा के उनका शेयर भी मैं ले लूंगा। ये तो गलत बात है। वो लोग भी दूध के धुले हैं क्या? लालची कीड़े हैं और दामू तो उनसे भी बदतर है। कितना चालू है रे तू? हाई बजट मूवी की तरह ऐसे एचडी वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया तूने? ये सिर्फ बैटरी बैकअप नहीं, ये है चार्जर प्लस टॉर्च प्लस MP3 प्लस अलार्म प्लस रिकॉर्डर। मतलब मेरा आईफोन मेरे खिलाफ यूज करके तुमने मुझे चीट किया, ये अन्याय है। अन्याय को पैंट शर्ट पहना दूं ना तो तेरी तरह दिखेगा, और जब मैंने रोका था तो मुझे कहा था अपने सजेशन अपने पास रखो। गलती तो इंसान से होती है ना। अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो ये वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा। क्या करना होगा सर? स्क्रिप्ट तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है सर, इसीलिए तुम्हें शार्प रहना होगा। मेरा नाम क्या है? एनकाउंटर शंकर। अब बताओ मेरा असली नाम क्या है? शंकर। एनकाउंटर शंकर बी शार्प। मिनिस्टर नागराज की हत्या के पीछे नक्सलाइट्स का ही हाथ है, जो हमें जांच से पता चला। इस केस को और डीप स्टडी कर रहे हैं, पूरी जानकारी जल्द ही बताएंगे। थैंक यू। केस को क्या डाइवर्ट किया एसपी साहब, आपसे बहुत कुछ सीखना है। लव यू। सुनो तुम दोनों, परसों सीआई साहब ने मिनिस्टर को आई लव यू बोला था तो वो ऊपर निकल लिया। मतलब नेक्स्ट विकेट एसपी का गिरने वाला है। मिनिस्टर के साथ फोटो मिस कर दिया, इसके साथ खींचा लेते हैं। चलो एसपी साहब, आपके साथ एक फोटो हो जाए। मैंने दामू की हेल्प की इसलिए ना, इस मेमोरी को सेव करना है, इसीलिए सीआई साहब एक फोटो लीजिए ना। अभी लेता हूं। थैंक्स। बहुत अच्छी फोटो है सीआई साहब, ये फोटो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। आई विल मेक अ मूव। थैंक यू एसपी साहब, न जाने क्या होता अगर आप इस प्रोजेक्ट में नहीं होते तो। यू आर सो हेल्पफुल। डोंट बी फॉर्मल, वी आर ऑल लाइक फैमिली। हे एसपी, तूने इसे हाथ क्यों लगाया? तो इसमें क्या है, मैंने तो कैजुअली हेल्प किया बस। एक और बार हाथ लगाया तो काट के रख दूंगा। कूल 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 कूल। सॉरी जान, सॉरी। डोंट ट्राई। कूल। बिल्ली लिल्ली सुशीला, वो सिर्फ वर्किंग टाइटल है। ऑरिजिनली हैदराबाद में वो बेली डांस किया करती थी। कॉलेज में पढ़ते समय क्लासमेट ने कहा कि तुम हीरोइन जैसी लगती हो, तो वो मुंबई भाग गई और कुछ बिग शॉट्स को उसने पटा लिया। उन्होंने इसे सपने दिखाकर अपने सपने पूरे कर लिए। फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में उसे सी ग्रेड की फिल्म ही मिली। ऐसी स्टार नहीं बन पाई तो वैसी स्टार बन गई। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि उसके कुछ वीडियोस ने पूरे भारत के दर्शन भी किए। इसी बीच उसकी मुलाकात दामोदर से हुई। फौरन अपने पति से डिवोर्स ले लिया और झूठी इमोशनल कहानी सुनाकर दामोदर को पटा लिया। लॉजिक छोड़कर ड्रामा देखकर दामू इमोशनल हो गया और शादी के लिए हाँ कर दी। वैसे इस रॉकेट का इस्तेमाल किस पर करने वाले हो? एसपी मल्लिकार्जुन। यू कांट। व्हाई? Because he is gay. क्या बकवास कर रहे हो? डिपार्टमेंट में तो सब उन्हें रोमांस किंग कहते हैं, है ना? हाँ सर, डे नाइट लड़कियों को मैसेज भेजते हैं और महीने में एक बार बैंकॉक जरूर जाते हैं। प्रोडक्ट जब वीक होता है तो पब्लिसिटी पीक पर होती है। सिचुएशन में सिंक होने वाली चार बातें बताता हूँ, सुन लो। पानी वाले सांप में जहर नहीं होता, गरजने वाले बादल बरसते नहीं, भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं, और सारे साधु पंडित नहीं होते। I can't believe this. झटके वाली बातें हमेशा कंफ्यूजन ही पैदा करती हैं। फ्लैशबैक चेक करोगे तो क्लैरिटी मिलेगी। आज मेरा बर्थडे है। हाँ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर।
How old are you? 32, running sir. Oh, 32. Good body, well maintained, eh? मतलब उस दिन किसी और मतलब से छुआ था, मतलब मुझे परख रहे थे। ये लेली डॉक्टर पिक्चर है और ये एसपीएमडी पिक्चर है, ये मिशन इम्पॉसिबल है। ज्यादा दिमाग मत चलाओ, मेरे बताए प्लान को फॉलो करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस समय कुछ भी फॉलो करना मेरे बस की बात नहीं है सर। दोबारा मेरी बातों का टेढ़ा जवाब दिया तो मैं क्या करूंगा पता है? मेरा वीडियो ले जाकर दामू को दिखा दोगे? एनकाउंटर कर दूंगा। सॉरी गुरुजी, अब जो बोलेंगे करूंगा। ड्राइवर, मंदिर जाने का टाइम हो गया है, जाओ जाकर गाड़ी निकालो। हेलो। हेलो लिली। ए, कौन हो तुम? मेरा नाम सुशीला है। और को उल्लू बनाना, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। शट अप, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर कहने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा मैडम। और सच क्या है? तुम्हारा असली नाम बेली लिली है और तुम हैदराबाद के क्लब में डांसर थी, फिर मुंबई में भाग कर आई और सीक्रेट फिल्मों में काम करने लगी। मुंबई के काफी सारे बिजनेसमैन तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, आप जो कह रहे हो वो सरासर झूठ है। झूठ और सच का फैसला करने के लिए मैं तुम्हारे घर सीढ़ी भेजूं? मैं दामोदर के साथ घर बसाने वाली हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। ऐसा ना करने के लिए मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। 2 करोड़ रुपए? समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पैसे जुटाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। ओके, मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम देता हूँ, हर घंटे टच में रहूंगा, बाय। तो तुम बेली लिली क्या? तुम पहले डांस क्या करती थी? फिल्म में एक्टिंग करती थी? दामू को पता चल गया तो? इसका देखो सब कैसे पता चल गया, इसका भी मुंह बंद करना होगा। यही तो मेरी परेशानी है सूरी जी, आप कोई भी मामला संभाल लेते हैं ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आसानी से सेट कर लेते हैं। मेरे छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगी, प्लीज सूरी जी, प्लीज। ओके, डोंट क्राई, चुप हो जाओ। देखो मैं हूं ना, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। तुम रो रही हो तो मुझे भी रोना आ रहा है। करो मेरी बात सुनो। बात सुनो लिली, रोना है तो उस अर्जुन राव के पास जाकर रो, वैसे भी तुम्हें घूरता रहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम यूं सॉल्व कर देगा। हेलो, मैं हूँ सुशीला। सुशीला बेबी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। टेल मी बेबी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, हर घंटे मुझे फोन करके कह रहा है कि अर्जेंटली 2 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो मुझे मार डालेगा। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज हेल्प मी एसपीजी। दिस इज अ स्मॉल इशू। अरे मैं हूँ ना, डोंट वरी। लेकिन ये इशू दामू को पता ना चले, ये मैनेज करना मेरा काम है, ट्रस्ट मी। धमकी देने वाला तुम्हें हर घंटे फोन करने वाला है ना, टाइम वेस्ट मत करो। 15 मिनट में मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, 1 घंटे में तुम्हारा काम हो जाएगा। डोंट पैनिक प्लीज, आई एम कमिंग। ए सूरी, उस एसपी के क्वेश्चन और लिली के आंसर्स मिक्स करके एक ट्रैक रेडी करके दामू को सुनाना है, तुम ध्यान से लीड करना। बी शार्प, बी शार्प, शट अप। कोर्ट से क्लियरेंस आते ही प्रोजेक्ट का काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं सर? चुप करो, धोखा हो रहा है, उसे रोकने की वजह तुम मुझे रोक रहे हो। अरे कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, एसपी साहब सुशीला जी के घर ही तो गए बस, और दोनों दामू के दोस्त हैं, एक क्लोज फ्रेंड और एक गर्ल फ्रेंड। कॉमन फ्रेंड यहाँ बैठा है तो उसको वहाँ क्या काम? सूरी जी आपकी बैड हैबिट है, पेट में कुछ रहता नहीं, कहीं भी मुंह खोल देते हैं। फिर दामू को सुशीला का भूलना होगा। सूरी ये क्या बकवास है? अरे खड़े होकर मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, फोन कॉल के रिकॉर्डिंग से सुना? नहीं सर। सुना तो कह रहा हूँ ना। मुझसे नहीं होगा सर। तुमसे नहीं होगा? नहीं सर। तो फिर रहने दो, इससे ज्यादा शार्प नहीं हो सकता मैं। इतना सीन क्रिएट कर दिया दामू भाई, क्या सोचेंगे? शंकर आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ दामू भाई, मिनिस्टर नागराज को आपने मरवाया, ये न्यूज लीक ना हो इसलिए मैंने एसपी का फोन टैप करवाया, तो मुझे ये शॉकिंग न्यूज मिल गई। जरा सुनिए तो। मैं दामोदर के साथ घर बसाने वाली हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। दिस इज अ स्मॉल इशू। अरे मैं हूँ ना, डोंट वरी। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। दामू को पता ना चले, ये मैनेज करना मेरा काम है, ट्रस्ट मी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम वेस्ट मत करो, 15 मिनट में मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगा, 1 घंटे में तुम्हारा। अब तो ठंडक पड़ गई आपको? लेकिन भैया क्या खिलाल हो गई? एसपी तुम्हारे पास आया है, ये बात दामू को पता चल गई, वो वहीं आ। अब क्या करूं? मैं जो कह रहा हूं वो करूं। ओके। नहीं, प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे अरे छोड़ अरे दो। ये क्या हुआ? मेरी जिंदगी बर्बाद, मुझे जाने दो। सुशीला, सुशीला, एसपी, हेलो, नहीं, सुशीला, सुशीला दरवाजा खोलो।
जानू। क्या हुआ यहाँ? तुम टाइम पर आ गए इसलिए मैं बच गई, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। अरे ये क्या कर रहा था? कोई मेरी तरह दिखने वाली एक लड़की ने एक गंदी फिल्म में एक्टिंग की है, उन डीवीडी को लाकर तुम्हें दिखाऊंगा कहकर मुझे डराकर मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। जब मैंने मना किया तो ये दामू, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे साथ धोखा किया तूने। दामू ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई कांट डू दैट, मैं वो काम कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकता मैं कह रहा हूँ ना। बताना क्यों? मैंने कहा ना नहीं कर सकता। क्यों बे? बिकॉज़ आई एम गे, बिकॉज़ आई एम गे, बिकॉज़ आई एम गे। कितनी बार मेरे सामने ही लड़कियों को गेस्ट हाउस में बुला चुका है तू? ओ दामू वो सिर्फ पब्लिसिटी है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी लोगों को दिखाने के लिए कि मैं स्ट्रेट हूँ। सच में मदर स्वेयर आई एम गे, आई एम गे, आई एम गे। देखा ना इसे, तुम्हें देखकर कैसे नाटक कर रहा है। अभी शैतान की तरह मेरे पीछे पड़ा था और अब तो उसने पूरी स्टोरी चेंज कर दी। इस पे विश्वास मत करो। दामू मुझ पे भरोसा करो या ना करो, लेकिन इस पे बिल्कुल मत करना। शी इज अ थर्ड ग्रेड लेडी। क्या कहा तूने? अपने लफ्ज वापस ले वरना तुझे मार डालूंगा। ओए तू मुझे क्या मारेगा, उससे पहले ही मैं ही तेरा एनकाउंटर करवा कर फेंकवा दूंगा। क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो आप? क्यों मार रहे हैं इन्हें? ये बेचारे वैसे ही अलग है। सूरी जी आप देख क्या रहे हैं, इन्हें पकड़ो। सर यहाँ आइए, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक लड़की के लिए बात कर रहा है। देखा ना शंकर, मैंने अपनी जिंदगी का सुपर सीक्रेट बताया फिर भी मुझ पे भरोसा नहीं किया। उस थर्ड ग्रेड लेडी की बातें मान रहा है। किसी का भला करने निकलो तो भी बुरा हो जाता है। जो गलती मैं चाहकर भी नहीं कर सकता उसका ब्लेम भी मुझ पर। लाइफ इज अनफेयर, पर अब चाहकर भी आप इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। मैं उन्हें कन्विंस कर दूंगा, आप सूरी के गेस्ट हाउस पर रेस्ट कीजिए। शंकर मैं गया हूँ, ये बात डिपार्टमेंट में किसी को बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा सर, आप जाइए। अब प्लीज चुप हो जाओ। राइट टाइम पे आके उस शैतान आदमी से तुम्हें बचा लिया ना, अब दामू भाई को कैसे बचाऊं? क्या कह रहे हो सूरी जी? मैं क्या कहूँ, वो एसपी कह गया कि वो दामू का एनकाउंटर करवा देगा। गुस्से में लोग 100 बातें कहते हैं, लेकिन 10-20 तो कर ही देते ना। जो रेप कर सकता है वो एनकाउंटर नहीं कर सकता क्या? चुप कीजिए सूरी जी, आप तो कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो ठीक है। नहीं होगा से मेरा मतलब ये था कि अदर लेडी अट्रैक्शंस बहुत डेंजरस होती हैं। मैक्सिमम मर्डर्स का रीजन लड़कियां होती हैं। रिसेंटली हुई एक क्राइम स्टोरी सुनाता हूं। सुरेश और रमेश दो बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। रमेश की भी आपकी तरह एक गर्लफ्रेंड थी। सुशीला मैडम की तरह वो लड़की भी बहुत सुशील थी, लेकिन बुरी नजर वाले सुरेश की आंखें उस कोहिनूर हीरे पर पड़ गईं। उसने धमकी दी कि मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। जब लड़की ने बात नहीं मानी तो उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसी वक्त रमेश ने एंट्री मारी। उन दोनों की सालों की दोस्ती और इंसानियत के नाते उसने सुरेश को जान से नहीं मारा, पर क्रूअल इंटेंशन वाला सुरेश एक क्रिमिनल बन गया। पीसफुली सोते हुए रमेश के उसने छोटे छोटे पीसेस कर दिए। और उसके बाद क्या हुआ? फिर सुरेश ने जबरदस्ती की, अब उस लड़की को उसके साथ ही पड़ता है। जरूरी नहीं कि इस केस में वही हो, लेकिन आजकल लोगों का क्या भरोसा। देखा ना सूरी भैया कितना गलत हुआ आज। तामू और मेरे बीच कितनी गहरी दोस्ती थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे। चल हाथ छोड़ मेरा, चुप चाप खा। अब ये बात बाहर निकली तो मेरी इज्जत का क्या होगा? सबको पता चल जाएगा कि मैं रोमांस किंग ने गे हूँ। इस समय अगर कोई अपना मुझे कंसोल कर देता तो अच्छा फील होता। चल तू राइट, मुझे भी अपने जैसा बनाएगा क्या? चुप रहो ना सूरी भैया, क्या बोल रहे हो, मैं कितनी परेशानी में हूँ। इस तरह कोई परेशान होता है क्या? लगता है बकासुर को बुफे मिल गया। टेंशन में जब होता हूँ तो मैं थोड़ा ज्यादा खा लेता हूँ सूरी भैया। लेकिन एक बात सोचिए, उसने मुझे फोन करके बुलाया ही क्यों और ऐसे फंसाया ही क्यों? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? शायद कोई और इसके पीछे है। करेक्ट, पुलिस वाले हो ना, इसीलिए करेक्ट गैस किया। इस सब के पीछे मैं ही हूँ। कलेक्टर भरत मेरा भाई था। ह्यूमन राइट्स ऑफिसर के मर्डर की रिपोर्ट उसने तुझे और उस मिनिस्टर को दी थी, और मिनिस्टर का खेल दामू ने खत्म कर दिया। तेरा टाइम भी आ चुका है, तू ही मेरा अगला टारगेट है। तू मुझे मारेगा, ये बात अगर दामू को पता चली तो तू मरेगा। मेरा फोन कहाँ है? फोन? Oh,
क्या सूरी जी जहर देकर मार दिया? मैंने नहीं मारा सर, उस दामन ने टिफिन भेजा तो मैंने उसके सामने रख दिया। भेजा उसने पर खिलाया तो तुमने था, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाऊं क्या? जरूरत नहीं है, एक ही काम तो ठीक से करते हो। थैंक्स यार। शक की सुई को मोड़ देने वाली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। कल रात हमारे एसपी अर्जुन राव की लाश की जांच की गई तो डॉक्टर्स ने एक्सेसिव फूड पॉइजनिंग का कारण बताया है। दुर्गा, एसपी का मर्डर तुमने किया ये तो दामू भैया को भी पता नहीं चला। हैट्स ऑफ, लव यू। लगता है नेक्स्ट विकेट दुर्गा का गिरेगा। दुर्गा जी फोटो प्लीज। ए सूरी सर, कल मेरी एंगेजमेंट है, आकर खाना खा के जाना। इतने प्यार से बुलाओगे तो क्यों नहीं आऊंगा? वो किस्मत वाली लड़की कौन है? सरोजा इसी शहर की है। कहानी सुन के तुम ही डिसाइड करो। कोई रिकॉर्डिंग करके तुमने उसे धमकाया होगा, वरना तुमसे शादी करेगा कौन? डेकोरेशन अच्छा है ना प्रभा? सीआई साहब के एंगेजमेंट तो आज है, मूर्ति साहब के लिए गधा तैयार है ना? सब तैयार है भाई। तुम्हें बीपी कब से है? जब से सीआई साहब मेरी लाइफ में एंटर हुए। वैसे तुम्हें कब से? उनकी लाइफ में जब से मैं एंटर हुआ। आपका हाल तो मुझसे भी ज्यादा बुरा लगता है। फिर तुम्हारा हाल और भी बुरा करता। वो कैसे? उस मिनिस्टर को तुमने एक फाइल दी थी ना? हाँ, वो थाने की जरूरतों की लिस्ट बताई थी। उसने तुम्हारा इस्तेमाल करके दामू के जरिए मिनिस्टर को मरवाया। अब तुम्हारी बारी। अभी कंसल्टेंसी से बैलेंस शीट आई है। तूने जो इन्वेस्टमेंट के लिए टिप्स दिए थे वो सारे के सारे गलत थे साले। मुझे 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर ये बात भाई को पता चली ना तो हम सब गए। तूने फिर शेयर मार्केट में पैसा गवा दिया। क्या शेयर्स? मैंने तो नहीं खरीदे। सच सच बता। आपको गलतफहमी हुई है। फिर ये क्या है? सच है, पैसे डूब गए। शेयर में कभी पैसे आते हैं कभी जाते हैं, इसमें इतना टेंशन क्या ले रहे हो? 5 करोड़ जाएंगे तो टेंशन नहीं होगा? कैसे रिकवर करना है मैं जानता हूँ, कूल रहो। गलती खुद करके आप पे कुछ चिल्ला के गया। चुप रहिए सूरी जी, आप जैसा आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। एक तो ये लेटर इनको दिखाया, ऊपर से और झगड़े करवा रहे हैं। आप में कोई शर्म आया है कि नहीं? ये कोई छोटी बात है बोलो। 5 करोड़ इन्वेस्ट करने से पहले पूछा कि नहीं? आज ये हुआ कल कुछ और भी हो सकता है। मैं वेल हूँ इसलिए कह दिया। अरे दुर्गा परेशान मत हो, आज गवाया है कल कमा लेना। वही तो सूरी साहब, भाई को बीपी का प्रॉब्लम है ये सोचकर ये बात उनसे छुपाई थी मैंने। सही किया, पैसे डूब गए सुनकर परेशान हो जाते हो। ये सोचो वो पैसे वापस कैसे कमाओगे, तभी मेरी तरह दामू तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबल समझे। सूरी भाई आप एक काम करो, आपने शेयर मार्केट में कितने पैसे कमाए हैं? अपनी एजेंसी का नंबर इन्हें दो। ठीक है, मैं अपने बेस्ट शेयर ब्रोकर को कल ही तुमसे मिलने को बोलता हूं। सूरी जी को मैंने करोड़ों कमाने में मदद की है। मेरी टिप्स अक्सर 90% करेक्ट ही होती है। पहले हम छोटे अमाउंट्स में इन्वेस्ट करेंगे, फिर रिजल्ट देखकर आप नेक्स्ट स्टेप ले लेना। ये अजनबी कौन है और दुर्गा उससे क्या बात कर रहा है? करो सूरी जी, हर बात में इंटरफेयर मत करो। इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी शेयर्स में 5 करोड़ गवा चुका है। तुम्हारा पता नहीं कौन सी मुसीबत लेकर आने वाला। मुझे बस रिकवरी से मतलब है। 25 लाख से शुरू करो, ये लो एडवांस। उसने पैसे दिए लेकिन क्यों? हर चीज को शक की नजर से क्यों देखते हो? कोई वजह जरूर होगी। अब कोई गलती नहीं, ठीक है? ओके शंकर, हमारे प्रोजेक्ट को क्लियरेंस कब मिलेगा? हो जाएगा, मुझ पर छोड़ दीजिए। सॉरी दामू भाई भाग गया। वो मिस हुआ, हम परेशान। दामू मिस हो गया, दुर्गा परेशान। दुर्गा क्यों परेशान होगा? पुलिस वाले हो की याददाश्त इतनी कमजोर। दुर्गा ने उस आदमी को पैसे दिए थे, उसी आदमी ने आज अटैक किया। यानी दामू भाई को मारने के लिए दुर्गा ने उस शूटर को सुपारी दी होगी। मतलब मैंने जो सोचा था वो आज सच हो गया है। तुमने क्या सोचा था मेरे भाई? बताता। फिर जल्दी बोलो ना। दुर्गा दामू को मारेगा ताकि दामू की सारी दौलत उसके नाम हो जाए। और मेरे शेयर किसको मिलेंगे? दुर्गा को। करेक्ट, लेकिन उसके कुछ भी करने से पहले आपको ठोस कदम उठाने होंगे दामू भाई, क्योंकि वो आपसे खतरनाक बन चुका है। जमीन जायदाद और पैसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, ये बस आज तक मैंने सुना ही था। अब देख भी लिया कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आपको दिखा देना चाहिए कि आप दोनों में बड़ा कौन है। कौन है भाई? आखिर तुम पर हमला किसने किया? बोलो भाई, किसने तुम पर अटैक किया था? आप सिर्फ नाम बताओ, मैं उसे मार डालूंगा। कौन था बताइए? तू बता। आप ऐसा चुप क्यों खड़े हो? मुझे बताइए कौन था वो? आपको सब सुन गया है क्या? बोलते क्यों नहीं? बताइए वो कौन था, बताइए। आवारा कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर, वो अटैक मैंने ही करवाया।
उस ह्यूमन राइट्स ऑफिसर को तूने ही मारा था ना? उस मिनिस्टर और एसपी को किसने फंसाकर मरवाया था ये समझ जा, क्योंकि अब तेरी बारी है। ऐसे देख क्या रहे हो भाई, मार डालो साले को, मार डालो। अगर इसे नहीं मारा तो ये हमें मार डालेगा। ये जिंदा नहीं बचना चाहिए भाई, मार डालो इसे, मार डालो। आप ऐसे घूर क्या रहे हो, इसे मार डालो, मारना होगा इसे, मारो इसे। तुमने बिल्कुल सही कहा था, अगर इसकी बातें सुनता तो इमोशंस में बह जाता। अब मेरा कोई दुश्मन नहीं बचा। थैंक्स। प्रभा सर, डेटाबेस नारायण की इंफॉर्मेशन की वजह से हम सबको ट्रैप कर पाए, ये पैसे उसे देकर थैंक्स कह। ओके सर। ए सॉरी, ये क्या कर रहा है तू? या नारायण को डर रहा हूं। Hey, sorry, चाहे जो भी बात हो बैठ कर सेटल कर सकते हैं हम। तू इस दिल्ली सूरी को क्या समझ रखा है तूने? सबके साथ फुटबॉल मैं खेलता हूँ। तूने मेरा डेटा शंकर को दिया तो वो मेरे साथ फुटबॉल खेलने लगा। तुम्हारी वजह से कितनी जाने गई पता है? उस बेचारे कुछ न जानने वाले मिनिस्टर पर शक करवाकर डामू के हाथ तुमने उसे मरवा दिया, और उसके बाद वो एसपी लीली के पीछे पड़ा है ऐसा बताकर खाने में जहर डालकर उसको मरवा दिया। आखिर में भाई के लिए जान देने वाले दुर्गा को उसके ही भाई के हाथों मरवा दिया। ये सच अगर दामू को पता चला तो मैं बेमौत मरा जाऊंगा। अगर तेरी वजह से मेरा मर्डर हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए चल रे, मेरा सारा डेटा डिस्ट्रॉय कर गया पर अपना सारा डेटा मुझे दे गया। आई विल सी योर एंड। ए सूरी, सूरी कहाँ गायब हो गया है? पता नहीं सर। हेलो सीआई साहब, वो दिल्ली सूरी ने मेरे ऑफिस आकर हमला करके बहुत मिसबिहेव किया, इसीलिए मैंने सारी सच्चाई दामू को बता दी है, लेकिन आपके बारे में कुछ नहीं बताया। उनको कहा सब कुछ सूरी ने ही करवाया। दामू ने मुझे फॉरेस्ट गेस्ट हाउस बुलाया, उससे अपने नए प्रोजेक्ट का बहाना बनाऊंगा और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाऊंगा, वरना नेक्स्ट मर्डर मेरा होगा ये सुनिश्चित है। ए, तू एयरपोर्ट जाकर तैयारी कर, मैं पहुँचता हूँ। अरे तू मरेगा, तेरा फोन मैं कभी नहीं उठाने वाला। इसने मेरा फोन क्यों काटा? अगर ये दामू के हाथ लगे तो इसे कच्चा चबा जाएगा। आओ सूरी साहब बैठो। क्या बात है, इतनी दूर बुलाया? कुछ नहीं, मुझे सुबह एक सपना आया था, वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, सुबह आने वाले सपने सच होते हैं, क्या था बताओ? एक जंगल था और उसका किंग था एक शेर, उसकी पीकॉक जैसी एक प्रेमिका और उसका एक भाई चीता, और उसके बेस्ट फ्रेंड्स एक चूहा और एक हाथी। इन पावरफुल जानवरों ने मिलकर एक बार हंटिंग स्टार्ट किया था, पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। फाइनेंस करने के लिए दिल्ली से एक गीदड़ आ गया, मुफ्त का खाने वाला वो ब्रोकर गीदड़ पूरे प्रोजेक्ट को अकेला ही निकल जाना चाहता था। इनोसेंट एलिफेंट पर पहले उसने एलिगेशंस लगवाए, बिना दिमाग के शेर ने गीदड़ पर पूरी तरह से भरोसा करके उस हाथी को मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला। लेकिन वो गीदड़ वहां तक नहीं रुका, बेचारे चूहे की नजर पीकॉक पर है, कहानी बनाकर उस पर भरोसा करवा दिया। शेर अपना होश खो बैठा और इसका गीदड़ ने फायदा उठाकर चूहे को जहर देकर मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला। फिर भी वो साला सेटिस्फाई नहीं हुआ, आखिर में चीते पर भी इल्जाम लगा दिया। बेवकूफ शेर को पीछे क्या हो रहा है पता भी नहीं चला और उसने अपने भाई चीता मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला। इस उम्र में यहाँ से भाग तो नहीं पाऊंगा, जान की भीख मांगना ही ठीक रहेगा। अब क्वेश्चन आंसर रहो, इस सपने में शेर कौन था? तुम। गुड। और हाथी? मिनिस्टर नागराज। वेरी गुड। तो फिर चूहा? एसपी अर्जुन। एक्सीलेंट। पीकॉक? सुशीला। चीता? दुर्गा। अमेजिंग। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन,
गीदड़ कौन था? गीदड़ के बारे में जानकर क्या करोगे, उसके पीछे डायनासोर भी है। कोई डायनासोर नहीं है, वो तो स्पीलबर्ग की क्रिएशन है, और ये उस गीदड़ की मैनिपुलेशन। आप इससे बात क्यों कर रहे भाई, मार डालते हैं इसे। नहीं, ऐसे नहीं, इसकी मौत इतिहास बन जानी चाहिए। इसको दी हर एक चोट के पीछे कॉन्सेप्ट होगा। पहली चोट पर ही चेहरा बदल जाना चाहिए, दूसरी चोट पर गर्दन टूटे पर ये मरे ना, तीसरी चोट तो ऐसी जगह पर दूंगा कि लोग कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं जिंदा क्यों हूँ सोच कर तड़पना चाहिए इसको। मुझे मार डालो कह के भीख मांगे ये हमसे, और तब अपना पंच बनाकर ऐसी चोट मारनी है कि इसके पंच तत्व शरीर से निकलकर हवा में जाए, तब हम उसे देखकर खुश हो जाएं। मौत को तरसेगा तू, हर पल यूं तड़पेगा तू, फिर भी नहीं मर पाएगा तू। भैया अंग्रेजी फिल्मों की तरह से मारते हैं। क्यों भाई, हमारे रामगोपाल वर्मा की फिल्में इंग्लिश फिल्मों से कम है क्या? इसके हाथों को जूस मशीन में डाल देते हैं, या तो इसे जिंदा जमीन में गाड़ देते हैं, या फिर सीने पर ड्रिलिंग मशीन चला देते हैं। ए, इंग्लिश फिल्म के डीवीडी लाओ, रेफरेंस के लिए देखते हैं, उन्हें समझते हैं, फाइनली इसके मर्डर वीडियो को 5D से शूट करके यूट्यूब पे डालते हैं। ए, गीदड़ भयानक है ना, जब तक वो डीवीडीज लाता है तब तक कुछ टाइम पास करते हैं। क्या करना है सर? तूने मुझे खूब नचाया, तू नाचेगा और मैं देखूंगा, और अगर तू रुका तो तुझे उसी वक्त ठोक दूंगा। म्यूजिक पे तेरे कदम थिरकने चाहिए, और अगर बंद हो गए तो तुझे रिजल्ट पता है। ओके ओके। ओ मेरी जाना लगा निशाना, शिकार कर ले दिल का। मैं तेरी जाना लगा निशाना, शिकार कर लो दिल का। रुक मुझसे जितना, ये दिल धड़के उतना। तू मैं कहता, तू मैं करता, फुटके भी नहीं था। ओए, ओए, उठ बे, उठ जा। हे, ऐसे कैसे मर सकता है तू? हे, उठ जा, तुझे कैसे कैसे मारने का सोचा था मैंने। हे, तू ऐसे नहीं मर सकता, हमें इतना टॉर्चर करके तो खुद इतने आसानी से कैसे मर सकता है? उठ बे, उठ। ओए, जोकर है वो, तूने क्या सोचा इस गधे में इतनी अकल है कि ये प्लान बना सके? जिस कलेक्टर भरत ने आत्महत्या की थी वो मेरा भाई था, उसके गम में मेरे पिता ने रात दिन आंसू बहाए। तेरे पार्टनर्स को तेरे हाथों मरवा कर वही एविडेंस बनाकर तेरे नाम का शूटेड साइट ऑर्डर लेकर आया हूं मैं। ऑर्डर ना भी मिलता तो भी मैं तुझे मार देता, लेकिन लीगली मारने का मजा ही अलग है। तेरा किस्सा खलास। सब लोग सुनो, इसको मेरी आंखों के सामने मार के यहीं जला दो। मत मारो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा,
तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा। असल में हमारे कलेक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी बीवी एक देवी थी, उनके परिवार की झूठी बदनामी करके उनके आत्महत्या का कारण मैं ही था। मैंने सबके सामने अपनी गलती मान ली है, अब तो मुझे छोड़ दो, मैं इस शहर को ही नहीं इस देश को छोड़कर चला जाऊंगा। डिसाइड तो अब डेमोक्रेसी करेगी। इसने जो हरकतें की हैं उसके लिए डिपार्टमेंट ने इसे पागल कुत्ते की तरह गोली मारने का ऑर्डर दिया है। अगर आप में से किसी को ये गलत लगता है तो हाथ उठाइए, मैं इसे छोड़ दूंगा। तुम्हारे पास 15 सेकंड्स है, ट्राई कर लो। अरे ये दिन दहाड़े मेरा एनकाउंटर कर देगा, कुत्ते की तरह मार देगा मुझे, हाथ उठा दो ना प्लीज। अरे गलती तो हर इंसान से होती है, कम से कम मुझे एक और मौका तो दो। हाथ उठा दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ए बाजू हटो भैया। आ गए मेरे पार्टनर्स, आ गए, शाबाश। ए सीआई, एक हाथ उठेगा तो काफी होगा, कहा था ना मेरे पास तो तीन तीन है। ए, चलो हाथ उठाओ। हम तुम्हें यहाँ बचाने के लिए नहीं आए, हम तो बाय बाय कहने आए हैं। टोरी घूम चुकी है भैया। सर आपका दिया टाइम खत्म हो गया सर। सीआई साहब, मैं तो बेवकूफ इंसान हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की, लेकिन आपका दिल तो बड़ा है ना। किस्सा खल्लास। कलेक्टर भरत की केस में एक नया खुलासा हुआ है। जिन आरोपों की वजह से उन्होंने और उनकी बीवी ने आत्महत्या की थी वो सब झूठे और बेबुनियाद साबित हुए हैं। सरकार ने ये घोषित किया है कि वो बहुत ही ईमानदार और काबिल ऑफिसर थे। बचपन में मैंने तुम्हें अपने से दूर कर दिया था और तुमने अपने भैया के माथे के कलंक को मिटाया। बेटा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मुझे शुक्रिया कहकर शर्मिंदा मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज था। गुरुजी, मुझसे भी गलतियाँ हुई है, आप मुझे क्या सजा देंगे? तुमने तो हमारे डिपार्टमेंट की मदद की है, इसलिए हम तुम्हें इस केस से बाइज्जत बरी करते हैं। आप महान हो, महान हो गुरुजी। अरे दक्षिणामूर्ति, ये लो बीपी के टैबलेट्स, मेरे तरफ से दक्षिणा। तुम्हें जिंदगी भर इनके साथ रहना है तो खाते रहो, चलता हो गुरुजी। घर जाने की इतनी जल्दी क्या है, पहले मेरी कंडीशन तो सुनो। कैसी कंडीशन गुरुजी? ज्यादा कुछ नहीं, डिपार्टमेंट को टैलेंट की कद्र है और इसीलिए हमने तय किया है कि तुम अंडरकवर पुलिस ऑफिसर बनोगे, दैट टू अंडर मी। कैसे लगी कंडीशन? अब इसे तुम्ही रखो। एक्शन।